Okay. Shall we start or wait for 4-5 minutes or? Let me see who all are there. Asmit Kapoor, Avni Tomar, Galaxy, Kiral Patel, Prasanna Shukla, Rashmi, Taran. What class do we have after this? None, sir. None. Okay, so we can extend if we want to. So we will start from here. I hope everyone is comfortable with the bilingual things like English and Hindi. We'll be using both the languages as per the convenience. Okay, this is the lecture 3 for our general awareness things. I think you have been given a topic of like to have an extempo. तो एक्सटेम्पोर्स के लिए ऐसे टॉपिक्स का बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है बिकॉज यू कैन बी आस्क्ड एनी टॉपिक एनीथिंग यू कैन बी आस्क्ड टू स्पीक अपॉन फॉर 4-5 मिनट्स और 4-5 मिनट में आप एकदम से अगर आपको कुछ कंटेंट नहीं पता है तो बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए वो जानना. आई एम ऑल्सो अ टेस्ट एलुमनाई. लेट मी जस्ट ऑल्सो सी दिस टेल इट टू यू दैट आई एम ऑल्सो अ टेस्ट एलम. ओके तो देर आर टू टॉपिक्स जो कि हमारे लास्ट लेक्चर टू लेक्चर्स में रह गए थे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स. सो प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स वाला जो टॉपिक था वो थोड़ा बड़ा था. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. इसमें काफी सारी चीजें हमारी अभी रह गई थी और तो मेरे को दिमाग में आया आई थिंक लास्ट क्लास में भी डिसाइड किया था मैं इसको आईबीसी के साथ पढ़ाऊंगा. एक आपको एक नई चीज पता चलेगी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ इंडिया. व्हाट इज इट क्या है बेसिकली. तो हम उसको कुछ चीजें जान लेंगे कुछ पॉइंट्स वगैरह कुछ जान लेंगे सो दैट एक्सटेम्पो जैसी चीज में कुछ तो बोलने लायक बनेंगे हम. इसकी क्या इंपॉर्टेंस है प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स क्या है और ये दोनों इकोनॉमिक्स के टॉपिक है. ये पॉलिटिकल थोड़ा सा पॉलिटिकल टॉपिक होता है. पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो फंडिंग होती है उससे रिलेटेड ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का है. Now the two topics which are very important is sex abuse, safeguarding children, Justice Juvenile Act. इसी के अंदर included है POXO. POXO Act 2012. बहुत important act है ये. वैसे बहुत सारे provisions इसके अंदर आ जाएंगे. POXO के आ जाएंगे सेक्स अब्यूज एंड सेफगार्डिंग चिल्ड्रन में. पर अगर फिर भी रहेगा तो आई इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट आई विल डू मैं POXO एक्ट पे ही एक अलग सेपरेट टॉपिक ले लूंगा मैं. अच्छा मेरा थोड़ा सा पढ़ाने में ये मानना रहता है कि अगर हम थोड़ा सा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करके और उसको समझें कि क्या रीजंस हैं ये एक्ट आने के तो उससे में बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होती हैं कि ये एक्ट क्यों आया क्या हुआ. और साथ ही साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको लीगल नॉलेज भी आपकी लीगल अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ती रहती है साथ. ठीक है तो थोड़ा सा ऐसी मतलब जैसे कई चीजें होती है कुछ बॉडीज होती है जैसे इफ आई टॉक अबाउट कारा. एनीवन हैविंग एनी आइडिया अबाउट कारा व्हाट इज कारा. एनीवन Anyone who can give it a try? CARA is, if anyone knows about it, Central Adoption Regulatory Authority. कि जो बच्चों को गोद लिया जाता है जैसे बच्चों को कई orphanages को गोद ले लेते हैं कुछ लोग तो उसका procedure क्या होता है मतलब उसके लिए जो भी काम करना है वो CARA regulate करती है. Central Adoption Regulatory Authority. This body
जस्टिस ज्यूबिनल एक्ट के अंडर है, चलो हम विल सीट। तो ऐसे करके हम थोड़ा थोड़ा कई सारे टॉपिक्स को भी हम साथ में ले लेते हैं और उसके रिलेटेड चीजें भी हम जान लेते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। हम फटाफट से इसको इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को करेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2-4-5 मिनट में खत्म करेंगे इसको। बेसिकली बात क्या है कि ये ना बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स मतलब 1,000 रुपए का बॉन्ड है, 10,000 रुपए का बॉन्ड है, 1 लाख का है, 10 लाख का है, 1 करोड़ का है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। हम मतलब बॉन्ड्स को खरीद के, जैसे मैं, मेरे को मन किया, मैं बैंक गया, SBI बैंक में ही बिकता है बस ये, SBI बैंक गया, वहां पे गया, 1,000 रुपए दिए और मैंने इसे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया और मैंने वो बॉन्ड को जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी जैसे BJP, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसी को भी जाके मैंने डोनेट कर दिया और डोनेट करके मैं वापस घर आ गया। ठीक है, द पर्पज ऑफ दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इससे क्या होता है, बेसिकली जो डोनेशंस होती हैं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेके आई गई थी, SBI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब इसको लेके आए थे। ठीक है, अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार इससे बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए का बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता है डोनेशंस, और ये तो टेरर फंडिंग में भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे, क्या वो कहना चाह रहे थे कि मिसयूज कैसे हो सकता है बेसिकली। तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेकिंग डोनेशंस टू द पॉलिटिकल पार्टीज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया is authorized to issue and encash these bonds which are valid for 15 days. Okay. ये valid for 15 days from the date of issuance. जिस दिन होता है उसे 15 दिन तक ये valid रहता है। These bonds are redeemable in the designated account of a registered political party. कि मैं वहीं पर ही, मैं मतलब और कोई इन कैश नहीं करा सकता, मैंने खरीदा, खरीद के मैंने आप में से किसी को दे दिया और आप उसको रिडीम करा लो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टी ही उसको रिडीम करा सकती है। ठीक है, कि कब बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं, परचेज फॉर बाय एनी पर्सन जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के महीने में होते हैं। ठीक है, और जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी तब ये आते हैं। A person being an individual can buy bonds, खुद से भी buy कर सकता है, singly, jointly, या किसी और individual के। सबसे important बात, this is very important, donor का नाम mention नहीं होता है, donor का नाम mention नहीं होता bond में कि ये इस आदमी ने donate किया है। इसका आगे मैं बताऊंगा, आगे reason क्या है इसका। अब basically Supreme Court ने क्या बोला कि भाई क्यों इसका misuse हो सकता है, तो सबसे पहले पहली बात एनोनिमिटी, भाई ये तो पता ही नहीं है कि किसने डोनेट किया है, कौन से आदमी ने डोनेट किया है पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, और ना ही पॉलिटिकल पार्टी इस बात को बताने के लिए ऑब्लिगेटेड है कि किसने डोनेट किया है, कौन डोनेशन है। तो इसका, इससे क्या प्रॉब्लम होगी, कोई मुझे बता सकता है कि अगर आदमी का नाम ना पता चले तो? सॉरी, और बताओ कोई, कि अगर नाम नहीं बताया तो क्या हो गया? सर टेरर फंडिंग होगा तो ट्रेस नहीं कर पाएंगे। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी, टेरर फंडिंग की बात नहीं कर रहा, कि अगर जैसे मैं SBI बैंक गया, मैंने वहां से बॉन्ड खरीदा और मैंने BJP या कांग्रेस को जाके दे दिया। ठीक है, अब कांग्रेस और BJP को ये बात पता ही नहीं है कि किसने दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट को इससे क्या प्रॉब्लम है, मतलब ये कैसे कह रहा है कि दे वांट टू पॉइंट आउट टू दैट पर्सन, इसको डिजिटल ट्रेल नहीं, वैसे डिजिटल ट्रेल है इसका, लेकिन आप समझो मेरी बात, लेकिन ये बात कि मैंने पैसे दिए हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ये बात सुप्रीम कोर्ट के लिए कैसे प्रॉब्लम है? ये तो मतलब मैंने पैसे दिए हैं और मेरा पता नहीं है, पार्टी को ये नहीं पता, BJP को ये नहीं पता कि मैंने पैसे दिए हैं, कांग्रेस को ये नहीं पता कि मैंने पैसे दिए हैं। इसका एक और एंगल भी है, अगर आप देखो तो ये एंगल है कि कल को सपोज करो मेरे को अपना बिजनेस सेटअप करना है, मैंने कोई भी बड़ी पार्टी, BJP, कांग्रेस, इनके लीडर्स के साथ में मैंने अपना वो बना लिया, अलायंस बना लिया कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए डोनेट करूंगा। मैं ठीक है, कैसे करूंगा, मैं आपको डोनेट करूंगा थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तो अब इनफॉर्मली तो हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं कि हाँ मैंने 10 करोड़ करने हैं, मैं इस तारीख को दूंगा आपको। नेक्स्ट, जब
ये टेंडर निकलेगा तो आप मुझे फेवर करेंगे, जब ये टेंडर निकलेगा कोई भी एक सड़क बनाने का टेंडर निकलेगा तो आप मुझे फेवर करेंगे। तो कहता ठीक है। अब क्या है, जब ये एनोनिमिटी है कि किसने दिए हैं ये पैसे, तो कल को जब मैं टेंडर एलोकेशन कर रहा हूं तो कोई मुझ पे ये मुझ पे या पार्टी पे ये एलोके मतलब ये एक्विजिशन नहीं लगा सकता है कि आई वॉज बींग फेवर्ड, क्योंकि हमने जो पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग की थी तो पता ही नहीं है किसने किया था। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सर एनोनिमस रखने का पर्पस क्या है? यही तो मैं बता रहा हूँ, जैसे एनोनिमस रखने का पर्पस कुछ नहीं है, ऐसे कुछ सरकार ये नहीं बोल रही कि हमने एनोनिमिटी रखी है, ठीक है, एनोनिमिटी ऐसा कुछ सरकार नहीं। बेसिकली क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि एनोनिमस है, ये इसे पता ही नहीं है कौन किसको डोनेट कर रहा है। अब देखो एक और चीज, मैंने बॉन्ड खरीदा, आई परचेज द बॉन्ड, मैं गया 5 लाख रुपए के बॉन्ड खरीदे, मेरे को पीछे से मतलब मेरे पास में कोई और आदमी आया, पर्सन ए, जिसने मुझसे वो बॉन्ड खरीद लिए 5.5 लाख में, 5.5 लाख या मतलब 5,10,000 में खरीद लिए, मुझे तो फायदा हो गया 10,10,000 रुपए का, मुझसे खरीद लिए उसने मुझे 5,10,000 रुपए दे दिए, ठीक है, और मैंने उसे 5 लाख के बॉन्ड दे दिए। अब इसने ये डोनेट कर दिए बॉन्ड्स, डोनेट कर दिए टू अ पॉलिटिकल पार्टी। अब टेक्निकली तो हु हैज डोनेटेड इट, मी। पहले एक स्टेप और वापस आते हैं, ठीक है, जब मैं बैंक जाऊंगा एसबीआई में खरीदने के लिए, तो मेरे को अगर 1,000 या 10,000 रुपए से ज्यादा के हैं तो मुझे चेक देना पड़ेगा या डिजिटल ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो एसबीआई को ये पता है, एसबीआई को ये पता है कि मैंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। एसबीआई सरकार की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, तो एसबीआई को भी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो पता है कि किसने ये डोनेशन करी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डोनेशन किसने करी है ये पता है सरकार को। चाहे तो सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है एसबीआई को कि बताओ किसने डोनेट किया है, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है, पर इसमें एनोनिमिटी का एंगल कैसे आता है, एंगल ऐसे आता है कि मैंने तो जाके 5 लाख के बॉन्ड्स खरीद लिए, सपोज करो कोई और पर्सन है, पर्सन ए, उसने मुझे कहा 5,10,000 रुपए ले और जाके अपने अकाउंट से खरीद ये पैसे, अपने नाम से खरीद, ठीक है, 10,000 अपने पास में रख, 5 लाख के बॉन्ड्स खरीद और मुझे ला के दे, मैंने उस पर्सन ए को जाके दिया। पर्सन ए इज अ बिग बिजनेसमैन, उसकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है विद द पॉलिटिकल पार्टीज कि हाँ मैं आपको 50 लाख के बॉन्ड्स दूंगा, 5,10,000 मतलब 5 लाख के मैंने तो किस इंटरेस्ट में कर दिया, 10,000 के इंटरेस्ट में कर दिया, ऐसी उसने 10 लोगों को और कर दिया कि भाई मतलब आप भी दो, और उसने क्या करा, 5,50,000 की डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद लिए, बेसिकली तो उसका पैसा था ये, मेरा पैसा नहीं था ये, और उसने वो डोनेट करवा दिए। अब टेक्निकली तो आई एम द पर्सन हु हैज डोनेटेड इट, फाइन, नाउ व्हाट विल हैपन, दैट पर्सन ए विल हैव एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विद देम कि व्हेनेवर दिस टेंडर विल ओपन अप, ठीक है, कोई भी सड़क बनाने का है या कोई भी टेंडर है, तो उस टेंडर में आप मुझको फेवर करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि जब टेंडर फ्लोट होगा तो उसमें उस पर्टिकुलर पर्सन ए को फेवर कर देगी कोई गवर्नमेंट सपोजिटली, ठीक है, कर देगी, तो हम इसको ट्रैक ही नहीं कर सकते कि किसने एक्चुअल ये क्यों। अब देखो अगर क्या होगा कि डायरेक्टली अगर मैं पैसे दे दूंगा, डायरेक्टली अगर वो पर्सन ए दे देगा तो कल को बात करेगा कि इन्होंने इलेक्शन में इतना पैसा दिया था इसीलिए गवर्नमेंट ने इनको फेवर किया है, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो बीजेपी ने फेवर कर दिया, कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो कांग्रेस ने फेवर कर दिया इनको, क्यों, क्योंकि इन्होंने इतना पैसा दिया था डोनेशन में। अब पर्सन ए तो पिक्चर में ही नहीं है, पर्सन ए ने हम सबके थ्रू, मेरे जैसे 10 लोगों के थ्रू ये बॉन्ड्स खरीदे थे और उनको दिए थे, और उसको इवेंचुअली क्या हुआ, टेंडर फ्लोट करने के टाइम पे पर्सन ए को फेवर कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब वो फेवर पॉलिटिकल पार्टी भी बच गई, बीजेपी कांग्रेस भी बच गई, पर्सन ए भी बच गया,
ठीक है कि भाई मेरे को कोई फेवर किया ही नहीं है, मैंने तो इनके लिए कुछ किया नहीं, इन्होंने मेरी क्वालिफिकेशन देख के मुझे ये टेंडर दिया है। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोनिमिटी। यस सर। अपोज क्यों नहीं करता, मतलब कोई ऐसे कर तो रहे हैं यहाँ पे, ये लिखा तो है मिस यूज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स एससी। एक बात बताओ, व्हाट्स योर गुड नेम? मोहसिन। अच्छा, what you have done in your graduation? Sir, BSc. BSc. An educated person was completely unaware. BSc, जिसने BSc करी हुई है, educated person मानूंगा मैं उसको. उसको पता ही नहीं है ऐसी कोई स्कीम भी चल रही है. तो just imagine the masses, educated person का ये हाल है. तो masses का सोचो जो गरीब है, जिनके पास में कोई education ही नहीं है. समझ में आया? Oppose क्यों नहीं कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, पहले इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने करा, इसको किसी दूसरी पार्टी ने भी अपोज नहीं करा, आप सोचो क्यों? देखो बेसिकली वरना दूसरी पार्टी अपोज कर देती है, क्योंकि सर, हाँ सर, दोनों को ही फायदा है, इसलिए दोनों को ही फायदा है। वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दोनों को ही फायदा है इससे, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आया बीच में। एंड सेकेंडली, इस स्कीम के बारे में आज से पहले आपको पता था? थोड़ा थोड़ा सर, थोड़ा थोड़ा पता था, इतना तो नहीं पता था ना कि ऐसे ऐसे करके भी ड्रामे हो सकते हैं। नहीं, 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 अब आपको नहीं, ये भी पता चल गया है ना। yes, तो that means, अब आप करो उसका पोस्ट जाके। yes, sir. Excuse me, sir. Yeah, please go ahead. Sir, are these bonds tradable in the bond market? No. यही तो मैं बहुत बोल रहा हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते इसका। अब अल्टीमेटली ट्रेड कर देंगे इसका, ट्रेड कर देंगे, ये बेसिकली डोनेशन है ये पॉलिटिकल पार्टी को। अच्छा सर, इसके लिए कोई रेगुलेशन बॉडी नहीं है क्या फिर, मतलब ऐसे है ना? एक क्या नाम है इसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये देखता है सब कुछ, ये सारे ये काम देखता है। एक एक्ट है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, Representation of People's Act, PRA है, Representation of People Act 1951, उसके अंडर ये सारी चीजें गाइड होती हैं, ठीक है? तो सर, चलो, we will not. So then, why didn't Election Commission of India never opposed this? उसने नहीं करा अपोज, उसने कहा ठीक है ये बढ़िया, ये देखो ये suspicions ही तो हैं मेरी, अगेन ये हम suspicions में तो कर रहे हैं, उन्होंने नहीं करा अपोज, उन्होंने नहीं लगा कि भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है इस बात को। भाई ये देखो, ये लॉजिकल बातें हैं ये, ठीक है, ऐसा कुछ प्रूफ थोड़ना है भाई, कोई प्रूफ होगा तभी तो कोई बात करेगा आगे इस बात के लिए, ठीक है? अपोज कर सकते थे, हो सकता था, कोई अगर पर्सन उस आदमी के फेवर का हो, ना हो उनके फेवर का, नहीं भैया मैं तो नहीं, ये तो नहीं चलने दूंगा मैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बैठा हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? चलो ये बात ही कर लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई है, वेरी गुड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि ये बॉडी होगी। एनी बॉडी मतलब एनी बॉडी नहीं, एनी बॉडी, बॉडी मतलब ये जैसे ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि बनी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बनी होनी चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब ऑब्वियसली इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसके ऊपर सरकार नहीं बैठी है, सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर नहीं बैठी है, इट्स कंप्लीटली एन इंडिपेंडेंट बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमने लास्ट टू लास्ट में एक और बॉडी पढ़ी थी जिसका नाम, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी थी, कौन सी थी वो? दैट वाज आल्सो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, पता नहीं मैंने बताया नहीं बताया, आई डोंट रिमेम्बर, मैं नाम लिख रहा हूं, देखो जरा गेस करो। नेशनल कमीशन ऑफ एससी एंड एसटी वाला जो हम पढ़ रहे हैं, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस,
दिस इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बनाई गई है. ठीक है, चलो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस. आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए क्या चीजें होती हैं सब. कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. दैट्स इट, इज एज सिंपल एज दैट. सर, इज नीति आयोग आल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? नो 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 नो. नीति आयोग का पूरी दुनिया में कोई नामो निशान ही नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं हुआ. कमिंग टू रिप्लेस दैट प्लानिंग कमीशन ओनली. तो हां, वो अलग ही चीज है, वो अलग ही मैटर है. प्लानिंग कमीशन जो था, प्लानिंग कमीशन 1951 में बना था इंडिया में. Yes. इंडिया तब फेबियन सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट पे चल रहा था. इकोनॉमिक यूएसएसआर में इकोनॉमिक प्लानिंग चल रही थी. वहां पे ये 5 ईयर प्लानिंग होती थी. वहां से हमने चुरा लिया और अपने यहाँ पर प्लानिंग कमीशन बना लिया. ठीक है, ये कांग्रेस कांग्रेस थोड़ा इसको फेवर करती थी. जब मोदी गवर्नमेंट आया तो उन्होंने कहा बाढ़ में जाओ, हम अपना बनाएंगे नीति आयोग. एक ही बात है, मोर लेस एक ही बात है. मतलब ठीक है, थोड़ा ऑब्जेक्टिव उधर से उधर चेंज करते हैं, बट ओवरऑल दिस इज सेम. दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, दिस इज नॉट इवन अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑल्सो. अभी स्टैट्यूटरी बॉडी आएगा, आगे मैं बताऊंगा क्या चीज होती है. शैल वी मूव अहेड? यस सर. यस सर. ओके, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. चलो फटाफट से पढ़ लेते हैं इसको. तो अब क्या है, एनोनिमिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन. एसबीआई बेचता है तो गवर्नमेंट को तो हमेशा पता होता है कि किसने क्या डोनेट करा है. द एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब पॉलिटिकल पार्टी, मतलब गवर्नमेंट को पता होता है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को पता ही नहीं होगा. आईएनसी को पता ही नहीं होगा कि किसने दिया है ये पैसे मुझे. समझ में आ गई बात? ये एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हो क्या होता है, कि भाई एक के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है दूसरे के पास. वो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, मतलब आईएनसी है, बीजेपी है. What do you mean by INC? Indian National Congress. Yes. तो INC और BJP है. अब BJP इस समय रूल में है, तो BJP ही SBI को कंट्रोल, BJP गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट GOI को कंट्रोल कर, GI कंट्रोल करती है SBI को, क्योंकि SBI के मेजोरिटी ऑफ स्टेक्स जो है SBI के. आपको पता है पहले SBI को बोला जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. ये पता है किसको बताया बात ये? यस सर. ये कब बना था? कब बना था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? सर, ड्यूरिंग द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक. वेरी गुड. 1955 नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक से पहले से हो गया था. ये सिर्फ इस पर्टिकुलर बैंक को नेशनलाइज किया गया था, क्योंकि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सरकार का बैंक था उस वक्त, ब्रिटिशर्स का बैंक था. अब ब्रिटिशर्स का नाम ही चल रहा था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था 1969 में, आज बात करेंगे उस बारे में. उसके बाद 1980 में भी हुआ था. पहले 14 बैंक्स हुए थे, फिर 8 बैंक्स हुए थे, बाद में समझ में आया ओहो ये हमने क्या कर दिया, फिर प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया. लेट्स नॉट गेट इनटू इट अगेन. ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी हम डोंट वरी. तो गवर्नमेंट के पास में ये ज्यादा, गवर्नमेंट जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसको पता है एसबीआई का कंट्रोल. एसबीआई को बोलेंगे कि बताओ हमें किसने पैसे दिए, तो एसबीआई, बीजेपी को तो पता होगा किसने फंडिंग करी है उनको, लेकिन आईएनसी को तो पता ही नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि इनके नुमाइंदा ही नहीं है इधर बैठे हुए. यू गॉट माय पॉइंट? सो एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया इससे. अच्छा, अब इसके बाद हो गया ये. The court asked the government whether is any control over how donations were made to the political parties. पढ़ लेना इसको. I'll share the PPT with you. अब ये मैंने बात की थी ना, scheme facilitates kickbacks की original purchase किसने किया है. मैंने purchase technically तो मैंने purchase किया है, लेकिन मेरे पीछे एक आदमी person ये बैठा है, वो ये वाला point है सारा. Possibilities of money laundering. What do you mean by money laundering? सर वो पैसे को वाइट करना. हाँ, क्या होता है वो? सर मतलब किसी को पता नहीं होता कि ये सब चीजें बेची जा रही है, मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. So I would request you. Basically legitimizer. ठीक है, ब्लैक मनी. मतलब जो पैसा है उसको
किसी चीज में इन्वेस्ट करके वापस इस तरीके से ले आओ कि अब वो लीगल हो जाए. वेरी गुड. तो मनी लॉन्ड्रिंग अपने आप में बड़ा चैप्टर है. आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट. प्लीज वॉच दिस मूवी शिवाजी द बॉस. ठीक है, रजनीकांत की मूवी है. बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है. ठीक है, आप उसको उसमें थोड़ा सा पोर्शन है जब वो अगर किसी ने देखी हो रजनीकांत की मूवी है तो उसमें थोड़ा सा पोर्शन आपको देखना है. उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जब जब वो रजनीकांत गरीब हो जाता है उसके बाद जब वो फिर दोबारा से शिवाजी फाउंडेशन कैसे खड़ी करता है वो सारा मनी लॉन्ड्रिंग कांसेप्ट है. डोनेशंस ले लेता है. मैं कह रहा हूं ब्लैक मनी को व्हाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो उसको बताया जाता है. तो आप उसको थोड़ा सा देखना, आपको मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा. मनी लॉन्ड्रिंग इटसेल्फ इज अ बिग चैप्टर, तो अभी मैं इस बात में नहीं जा रहा हूँ. ठीक है, इससे मनी लॉन्ड्रिंग के भी चांसेस होते हैं. ठीक है, बस इतनी सी बात बता रहा हूँ मैं अभी. अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब ये स्कीम पास की गई थी तो राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी. चलो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हमें बेसिकली दूसरे पॉइंट्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए. अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भैया कंडीशंस फॉर इलेक्टोरल बॉन्ड्स ओनली रजिस्टर्ड पार्टीज ही इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो कि रिसीव कर सकते हैं डोनेशन, जिनके पास एटलीस्ट 1% के डोनेशन मतलब वो हों. ठीक है, तो और नहीं कर सकते. अब इससे ब्लैक मनी नहीं आएगी पॉलिटिक्स में. इनका कहना ये है क्योंकि क्या है कि कोई भी मनी जो होगी वो या तो चेक से होगी या डिजिटल से होगी. ऑब्वियसली बात है, उन्होंने बताया था ना कि भाई मतलब एक मैंने बताया था 1 या 2 हजार के ट्रांजेक्शन से ज्यादा का होता है तो फिर उसमें आपको चेक या डिजिटल ट्रांजेक्शन ही करनी पड़ेगी. तो उसे क्या है, ब्लैक मनी को हम टैकल कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स में ब्लैक मनी ना आए, इनका बोलना ये है. ठीक है, और दूसरा जो मैंने पॉइंट बताया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका अपोज नहीं किया. ठीक है, बट वॉज ओनली कंसर्न अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ एनोनिमिटी. इट अर्ज द कोर्ट नॉट टू से द बॉन्ड्स एंड स्टे द बॉन्ड्स एंड सेट द स्कीम इज वन फॉरवर्ड कंपेयर टू द ओल्ड सिस्टम. कैश फंडिंग जो पहले कैश में दे रहे थे विच वॉज अनअकाउंटेबल, उससे तो बेटर ही है ये. ईसीआई का ये बोलना है, मतलब उनका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई पहले तो कैश में ही काम चल रहा था, अब कम से कम ये तो है कि कुछ तो डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रही हैं. उन्होंने एनोनिमिटी पे बात बोली है बट उन्होंने बहुत ज्यादा अपोज किया नहीं इस बात पे, अगेन फॉर ऑब्वियस रीजंस. ओके लेट्स, ओके फाइन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी, आप इसको मैं पीपीटी शेयर करूंगा, मुझे पढ़ लीजिएगा. ठीक है, हमने मोर और लेस को कवर कर लिया है. प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स. अभी हुआ क्या, 2021 और 22 के बजट में ये बोला सरकार ने कि भैया हम दो बैंक्स को प्राइवेटाइज करेंगे. तो अब ये बात आती है कि प्राइवेटाइज क्यों करना है, प्राइवेटाइज का मतलब क्या होता है. ठीक है, थोड़ी सी कहानी पढ़ेंगे हम तो आपको मजा भी आएगा, थोड़ा बैक हिस्ट्री में जाएंगे, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा. ठीक है, तो क्या हो रहा था, पहले एक बैंक चल रहा था, इंपीरियल बैंक, तो 1921 में बना था, बैंक ऑफ कैलकटा. ये बेसिकली क्या था कि जो लोग थे क्या बोलते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जो उनके पास में उनकी सैलरी आती थी, वो यहाँ पे अपना पैसा जमा कराते थे बैंक ऑफ कैलकटा में. फिर ऐसे ही मतलब पैसे, अब ये बैंक के पास में पैसा होता था, फिर वही जो मैंने लास्ट टाइम बताया था नॉर्मल फंक्शनिंग कैसे होती है बैंक की, मैंने आपको समझाया था लास्ट टाइम भी. तो ऐसे ही कैलकटा में क्यों, क्योंकि सारी चीजें उस टाइम कैलकटा में, ईस्ट इंडिया कंपनी भी कैलकटा में ही थी, नाम भी उसका इसलिए था ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि वो इंडिया के ईस्ट कॉर्नर पे थी. ऐसे फिर बाद में बना बैंक ऑफ बॉम्बे, उसके बाद में बैंक ऑफ मद्रास बना. ठीक है, ये सारे अलग अलग टाइम पे बैंक्स बने. बाद में सरकार को मतलब ब्रिटिशर्स को लगा कि यार इन तीनों को ना एक ही बना देते हैं. ठीक है, बैंक ऑफ कैलकटा बना दिया दोनों तीनों को. फिर इसके बाद में इसको बना दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1921 में बनाया था शायद मेरे हिसाब से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. और फिर इसको बाद में बना दिया SBI 1955 में. तो क्या होता था, ब्रिटिश ऑफिसर्स अपने पैसा रखते थे यहाँ पर. ठीक है, अच्छा अब क्या था कि ये बैंक ऑफ कैलकटा, अब अल्टीमेटली बैंक के पास में अगर ब्रिटिश ऑफिसर ने पैसा रखा है तो बैंक को अगर पैसा अगर मतलब रखा है तो उसको इंटरेस्ट भी देना है बैंक ऑफिसर को, है ना. तो उसके लिए क्या करते थे, वो लोन्स देते थे. अब ये लोन किसको दिए जाते हैं, यहीं से बात शुरू होती है. बैंक ऑफ कैलकटा वाले लोन किसको दे रहे हैं, एक ब्रिटिश मर्चेंट को दे रहे हैं.
बस वो उन्हीं को ही लोन दे रहे हैं, ब्रिटिश मर्चेंट को, ब्रिटिश मर्चेंट को लोन दे रहे हैं बस, ये ब्रिटिशर अपना काम करें। फिर बाद में कुछ जो है इंडियंस को भी देने लगे, कि जो बहुत रईस जो इंडियंस थे, राजा महाराजा थे या कोई रईस जो लोग थे, उन इंडियंस को भी देने लगे। ठीक है, अब इससे हो क्या रहा था, इवेंचुअली हो ये रहा था, ब्रिटिश मर्चेंट जो है अमीर के अमीर हुए जा रहे हैं, और ज्यादा अमीर हुए जा रहे हैं, जो रिच इंडियंस थे वो और ज्यादा रिच हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब इवेंचुअली हुआ क्या कि मेरे जैसा आदमी पहुंच गया बैंक ऑफ कलकत्ता के पास में कि मुझे पैसे दे दो, मैं भी अपनी खेती करूंगा, हल जोतूंगा। उन्होंने कहा चल भाग यहां से, तो मुझे भगा दिया वहां से उन्होंने। मैं गरीब का गरीब रह गया, क्यों, मेरे पास में जज्बा था काम करने का, पर अल्टीमेटली पैसे तो मुझे चाहिए ही चाहिए ना, तो अगर वो मुझे पैसे दे देते तो मैं उसको अच्छी मेहनत करके खूब सारा पैसा कमा सकता था, और जब पैसा आ जाता तो फिर मैं और बड़ा काम करता, फिर और बड़ा काम करता, और धीरे धीरे करके मैं भी पॉवर्टी से बाहर आ जाता मैं भी। बट बिकॉज बैंक ने मुझे पैसा नहीं दिया, मैं गरीब का गरीब रह गया, गरीब का गरीब। समझ में आ गई बात ये? अच्छा, अब क्या हुआ, ये कंटिन्यूअसली चलता रहा, ये मतलब ये जो चीज थी गरीब का गरीब, मैं गरीब का गरीब कंटिन्यूअसली था। बैंक ऑफ कलकत्ता भी यही काम करता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी यही काम करता था, सॉरी SBI भी यही, सबके सब यही काम करते थे। अच्छा, ये तो एक पुराने बैंक हो गए। अब क्या हुआ था 1905 में, ये भी आप थोड़ा सा एंगल समझ लो, थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट है ये। 1905 में बहुत बड़ी चीज हुई थी इंडिया में, क्या था वो, 1905 में बहुत बड़ी चीज हुई थी इंडिया में, 1947 में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। वेरी गुड, पार्टीशन ऑफ बंगाल के चक्कर में क्या हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने मतलब बेसिकली उस टाइम नेशनलिस्ट मूवमेंट जाग गया था बहुत ज्यादा, लोगों के अंदर नेशनलिज्म बहुत ज्यादा जागी थी, नहीं बंगाल सारा एक जैसा होना चाहिए, ये वो ऐसे करके। तो उस टाइम में जो रईस लोग थे, अब इन्होंने क्या करा था, बेसिकली देवर नॉट डिपॉजिटिंग देयर मनी इन बैंक ऑफ कलकत्ता, इन सारे बैंक में जो भी रईस लोग थे वो अपना पैसा यहाँ पे जमा नहीं कर रहे थे, उन्होंने सारे अपने बैंक चालू करे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे बहुत जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने अपने बैंक चालू करे कि भाई हम अपने इंडियंस का पैसा लेंगे, मतलब आउट ऑफ दैट नेशनलिज्म कि इंडियंस के लिए काम करेंगे, इंडियंस के लिए काम करेंगे एंड ऑल दैट। सो अगर आप देखोगे बहुत सारे आज के जो बैंक्स हैं वो 1905 के बाद में जो नेशनलिज्म जागा था लोगों में उसके बाद बने हुए हैं बहुत सारे बैंक्स, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा इज वन ऑफ देम। अब क्या हुआ था, SBI एक बैंक है, अब ऐसी 1905 में बैंक ऑफ बड़ौदा खुल गया, अलाहाबाद बैंक खुल गया, या और भी कई सारे बैंक खुल जाते हैं। ठीक है, तो जो बैंक खुले अल्टीमेटली इंडिया आजाद भी हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात, मुझ गरीब को कोई लोन देने वाला है ही नहीं अभी भी, और मैं गरीब का गरीब, मेरी पुश्ते गरीब है, क्यों, क्योंकि मुझे लोन नहीं मिला मुझे। ठीक है, अगर मुझे लोन मिल जाता तो शायद मैं गरीब नहीं रहता। तो भाई द ग्रेट इंडिया, इंदिरा गांधी जी आई, इंदिरा गांधी को ये समझ में आ गया कि भैया ऐसे बातें नहीं चलने वाली हैं, इन बैंक्स को हमें ये बोलना पड़ेगा कि आपको गरीबों को भी पैसा देना है। लेकिन वो बैंक्स इंदिरा गांधी की बात क्यों मानेंगे, तो इंदिरा गांधी ने इसका कर दिया कि अच्छा जी ठीक है, तो आज से मतलब 14 बैंक्स को बोला जिनका 50 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट था, 14 बैंक्स को नवंबर 1969 को, आज से ये 14 बैंक्स जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। दैट वाज कॉल्ड द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। और अब से हम बैंक मतलब जितने भी बैंक्स हैं मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द ओनर ऑफ ऑल दीज बैंक्स। 14 बैंक्स थे, लिस्ट है आप देख लेना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू दैट, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो अब इन बैंक्स का क्या था कि भाई
नेशनलाइजेशन करने के बाद में कि भाई अब क्या होगा, सही आदमी को शायद लोन मिल जाए, ठीक है, तो इसी से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अगर आपने किसी ने सुना हो ये वर्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, बैंक्स के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होती है आज की डेट में दैट कि उनको 40% तक जितना भी लोन देना है, मतलब टोटल जितने भी लोन, सपोज करो 1 करोड़ का लोन देना है तो 40 लाख रुपए के लोन उनको प्रायोरिटी सेक्टर में देने पड़ेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर उन्होंने डिफाइन किया है, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, और एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर हो गया, किसी को हॉस्पिटल वगैरह खोलना है कुछ, तो इन सब में देंगे पैसे। आपको कहानी समझ में आ रही है ये सारी की सारी नेशनलाइजेशन? किसी को कोई क्वेश्चन है अब तक यहाँ पर? यस सर। या प्लीज गो अहेड। सर मुझे ये समझ नहीं आया, वो बैंक्स प्राइवेट थे, उनको गवर्नमेंट एकदम आगे कह दिए तुम हमारे हो गए, ऐसे तो गवर्नमेंट किसी भी बड़ी कंपनी को भी बोल दे कि तुम हमारी हो गए, मुझे समझ नहीं आया। कर सकती है, कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 31 में कि भैया सरकार पब्लिक पर्पस के लिए सरकार किसी भी चीज को खरीद सकती है किसी से भी और उसको एक अमाउंट दे देगी जो कि सरकार ही तय करेगी। समझ में आई बात आपको? ओके। पब्लिक पर्पस के लिए सरकार कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, और उसको एज अ कॉम्पेंसेशन कोई भी अमाउंट दिया जा सकता है जो कि सरकार ही तय करेगी। सरकार ने कहा जाओ तुमको 500 रुपए में देना पड़ेगा, या प्लीज सर ये थोड़ा डेमोक्रेसी के अपोज में नहीं है, मतलब ऐसे तो मतलब नहीं डेमोक्रेसी के अपोज में भाई, ठीक है आई टेल यू, अगर आप यार तुम मेरे को ज्यादा अंदर लेके जा रहे हो, आर्टिकल 31 में जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था पब्लिक पर्पस के लिए आप कोई प्रॉपर्टी एक्वायर प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है प्रोवाइडेड वो उसको कॉम्पेंसेशन दे, ये लिखा हुआ था कॉम्पेंसेशन। तो क्या हुआ आर्टिकल 31 में लिखा हुआ था ये पब्लिक पर्पस और कॉम्पेंसेशन, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अब कॉम्पेंसेशन अगर देखो, अगर सरकार को कोई भी अगर सपोज करो एक जमीन ही खरीदनी है कि वहां से रेलवे ट्रैक जाना है तो जमीन ही खरीदनी है, वो जमीन खरीदने के लिए कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। कॉम्पेंसेशन मतलब अब मैं जितना मतलब जो मैं चाहूंगा कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, जो मार्केट रेट्स होंगे जो भी होंगे। अब उस टाइम पे सरकार को अगर उतना ही पैसा देना पड़े, मतलब इतना ही 50 करोड़ की अगर जमीन है, जस्ट अ सेकंड प्लीज, चलिए आई विल गिव यू अ कॉल बैक, मैं तुमको ना अभी मैसेज करके बता दूंगा। यस सॉरी, तो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ सरकार को और कॉम्पेंसेट ही करना पड़े, मतलब 50 करोड़ की जमीन है तो मुझे 50 करोड़ देना पड़े तो ऐसे तो एक्वायर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो लेकिन एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा होता है कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। बाद में ये बात नेहरू जी को भी समझ में आई थी, उन्होंने भी बहुत कोशिश करी और इंदिरा गांधी ने भी, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके इस कॉम्पेंसेशन वर्ड को हटा के अमाउंट कर दिया, अमाउंट जो कि सरकार ही तय करेगी, जो कि रीजनेबल अमाउंट होगा सरकार तय करेगी, वही सरकार तय करेगी। तो अब सरकार ने जो 50 करोड़ जमीन, चलो तो 50 लाख लो और अपने घर जाओ, ठीक है भैया कोई कुछ नहीं कर सकता, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं है बेसिकली। दैट वाज वन थॉट प्रोसेस टू क्रिएट इक्वालिटी को क्रिएट करने का ये तरीका था बेसिकली, क्योंकि आर्टिकल 39 में ये लिखा है कि स्टेट सेल, आपने पढ़ा होगा डीपीएसपी, व्हाट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जिससे कि लोगों में समानता आएगी, अच्छी अच्छी चीजें होंगी, लेकिन साथ में फंडामेंटल राइट्स भी बनाए हुए थे उन्होंने। अब तो आर्टिकल 31 वर्स्ट फंडामेंटल राइट में आता था,
तो इसलिए इंदिरा गांधी को इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाकर इसको वो करना पड़ा, क्या बोलते हैं, चेंज करना पड़ा, कॉम्पेंसेशन को अमाउंट करना पड़ा, वर्ड अमाउंट करना पड़ा। और ये जब चेंज हो गया तो फिर नेशनलाइजेशन करना आसान हो गया। मैं आपको अगर और थोड़ा डेप्थ में जाके बताता हूँ तो थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूँ। चलो अब अपनी इतनी बात करी ही है तो हुआ ये था कि सरकार ने नेशनलाइज कर दिया। इस नेशनलाइजेशन को एक आदमी था आरसी कूपर, इसने चैलेंज कर दिया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, आरसी कूपर को उसका बैंक वापस, सारा नेशनलाइजेशन एक तरह से खत्म ही हो गया, सारा नेशनलाइजेशन एक तरह से खत्म ही हो गया। फिर इंदिरा गांधी ने 1971 में इलेक्शंस करवाए, इलेक्शंस में शी वन विद मेजॉरिटी। और फिर 71 में इंडो पाक वॉर हो गया जिसमें कि इंडिया जीत गया। तो जब पाकिस्तान से इंडिया जीत जाता है तो भाई चाहे वर्ल्ड कप का एक मैच भी जीत जाए तो उस आदमी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। दैट्स व्हाट द सेंटीमेंट्स ऑफ बिटवीन इंडियन पाकिस्तान पीपल। तो उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, उनको बहुत ज्यादा मतलब कई सारे स्टेट सिलेक्शन में मतलब बेसिकली उनको ओवरऑल फायदा हुआ, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। फिर शी ब्रॉट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट, ये जो चेंजेस मैंने बताए हैं ना ये वहीं पे ही हुए थे। फिर जब ये चेंजेस हो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो अब नल एंड वॉइड हो गया। अब नाउ अगेन द बैंक्स वर नेशनलाइज। समझ में आगे बात की नहीं आई? मतलब सर ऐसा नहीं हो सकता, मतलब अगर मान के चलो सरकार ने ऐसा कुछ, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा करा और मतलब ये 31A के अकॉर्डिंग अगर ऐसा करना चाहा तो जो मतलब इंसान है वो मतलब सुप्रीम कोर्ट के थ्रू या किसी और लॉ के थ्रू मतलब इस चीज के लिए कुछ मतलब अपोज में नहीं कर सकता कि नहीं, मुझे नहीं बेचना। हाँ सर, देखो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का एंगल आ जाता है। I'll just remove this, कहीं जगह बची नहीं है मेरे पास। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का अगेन एंगल आ जाता है। मैं एक्चुअली पहला लेक्चर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन पे लेना चाह रहा था, बट समहाउ वो लंबा टॉपिक था तो मैंने फिर उसको लिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट का हमने लास्ट क्लास में एक काम बताया था हमने आपको, व्हाट इज द वर्क ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, किसी चीज की प्रोटेक्शन करता है वो, किस चीज की प्रोटेक्शन करता है वो? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बात किया था हमने लास्ट क्लास में भी। उसका एक्चुअल में काम यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना उसको बस वो फॉलो करना है, दैट्स इट। बात ही खत्म हो गई। अब क्या हुआ कि ना सरकार के पास में ये एबिलिटी होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को वो चेंज कर सके। सरकार के पास में कुछ एबिलिटी होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को कुछ चेंज कर सके। ठीक है, अब बेसिकली उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दिया, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द Constitution. बस खत्म बात। I think अब इसके बाद का कुछ हमारा लॉजिक ही नहीं बचा उसके बाद में कि भैया मतलब ये वो सारी बातें तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दिया तो फिर कैसे वो उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद माननी पड़ी उनको बात। खैर इसमें भी एक थोड़ा सा एक एंगल है, केशवानंद भारती वर्सेस गवर्नमेंट स्टेट ऑफ केरला, गवर्नमेंट ऑफ केरला था जो भी है, केरला का जो था वो एक एंगल है। लेकिन हम एक क्लास करेंगे जिसमें कि हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम पढ़ेंगे। बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है वो लेक्चर। मतलब मैं अगर मैं पढ़ाने लगूं तो कुछ दो ढाई घंटे उसमें लग जाएंगे, क्योंकि इसमें छोटे छोटे एंगल्स हैं, बट आपको अभी समझाने के लिए इतना काफी है। सुप्रीम कोर्ट का काम प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है। अगर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दिया है तो भैया कुछ भी नहीं कर सकते वो। ठीक है, पर इसका एक है केएसए, केशवानंद भारती केस जो है, केशवानंद भारती केस, वो इसमें एक एंगल है। मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करना चाहता, बहुत लंबा एंगल है वो। हम किसी एक पर्टिकुलर क्लास में सिर्फ यही रखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
वो क्या चीज है, वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल, बहुत मजा आएगा आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि पता चलेगा कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ है और वो आज भी हमें कैसे इंपैक्ट कर रहा है, आज भी इंपैक्ट कर रहा है वो चीज हमको। चलो ठीक है, इज दैट क्लियर विद एवरीवन कि सुप्रीम को हमने क्या करा, इंदिरा गांधी ने क्या करा, 24th CAA से 24th था या 25th था, चलो जो भी होगा 24th या 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही चेंज कर दिया था, जिससे कि नेशनलाइजेशन वैलिड हो गया। समझ में आ गई बात? Yes. ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ कि हमने नेशनलाइजेशन करा क्यों, क्योंकि जब हमें ये समझ में आएगा कि नेशनलाइजेशन क्यों किया, तभी हम ये बता सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं हम। Yes, sir. Any doubt why we have done this nationalization? कोई किसी के मन में डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो? No, sir. ओके अब हमने ये समझ लिया कि नेशनलाइजेशन का बेसिकली पर्पस ये था कि यार एक गरीब आदमी मेरे जैसे का बैंक अकाउंट खुल जाए, एक गरीब आदमी मेरे जैसे को लोन मिल जाए, एक गरीब आदमी को मतलब अगर कोई भी चीज एजुकेशन लोन पर्पस जो भी चीज हो ये सब चीजें मिल जाएं, ये पर्पस था, क्योंकि बैंक उनकी बातें नहीं मान रहे थे, उन्होंने नेशनलाइज कर दिया बैंक को, अब बाढ़ में जाओ। अब सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब नॉट मी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को गाइड करेगी कि किसको बैंक का मतलब वो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये सरकार तय करेगी। अब जैसे ही सरकार का इंटरवेंशन बढ़ा, सरकार का बैंक को लोन किसको देना है, नियत क्या थी कि अल्टीमेटली लोगों को लोन मिले, टाइम पे लोन मिल जाए, भेदभाव ना हो, ये सब ना हो, वो सब ना हो, वो सब चीजें थी। लेकिन 70s में 80s में जैसे जिस चीज में सरकार का इंटरवेंशन बढ़ने लगता है, वहां पे साथ साथ एक और चीज बढ़ने लगती है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, एनीवन प्लीज गो अहेड टेल मी व्हाट इज रेड टैपिज्म। अरे भैया बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम ना है ये, आज की डेट की भी प्रॉब्लम है ये। टू मच पेपर वर्क। यस, ब्यूरोक्रेसी। रेड टैपिज्म इसलिए बोलते हैं कि एक फाइल है, फाइल के अंदर कागज, तुम्हारा कागज कहाँ है, ये कागज लगा दिया, वो कागज लगा दिया, कागज सारे कागज लगा के उसके ऊपर ना एक फाइल को बंद करके और उसके ऊपर लाल सा धागा बांध देते थे, तो इसी को रेड टैपिज्म बोलते थे, टेप, रेड टेप, उस पे बांध के, हाँ जी कल आना, परसों आना, उसके बाद आना, उसके बाद आना, उसके बाद आना, उसके बाद आना, ऐसे ऐसे करते रहते थे, इधर उधर घुमाते रहते थे, टाइमली किसी को कोई चीज नहीं मिलती। ठीक है, गरीब आदमी को लोन चाहिए तो गरीब आदमी को लोन नहीं दिया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, मैं बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी हूँ, मेरा बैंक के साथ में अच्छा कॉन्टैक्ट है, मैंने कहा यार वो आदमी को लोन दिला दो आप, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो मुझे फायदा देगा, मैं बैंक वाले को फायदा दे दूंगा बैक द डोर से कि भाई मतलब ठीक है तुम्हारे बच्चों की स्कूल फीस मैं भर दूंगा, तुम्हारे लिए जो गार्डन में जो बहुत सारे जो फूल पौधे हैं मैं लगवा दूंगा, फ्री में लगवा दूंगा, या तुम्हारे लिए मॉरिशियस की टिकट मैं बुक करा दूंगा, उसको लोन दे देना। समझ में आ रही है बात? तो इवेंचुअली क्या हुआ, क्योंकि द थॉट प्रोसेस वॉज गुड टू हेल्प द पुअर, बट इवेंचुअली सब चीजें उनके हाथ में नहीं होती है, क्योंकि ये इवेंचुअली ये प्रॉब्लम्स आई। अब क्या हुआ, नरसिम्हम कमेटी बनी 1991 में, और इन बैंक्स की बहुत ही बुरी हालत हो गई थी, ऐसे आदमियों को लोन दे दिया वो लोन चुका नहीं रहे हैं, ठीक है, सरकार के ऊपर काम और बढ़ गया। अब अगर सोचो कि अगर कोई बैंक अगर कोई डूब रहा है तो क्योंकि नेशनलाइज बैंक है, इसका मेजोरिटी स्टेक होल्डर कौन है, सरकार है, अगर बैंक डूब रहा है तो बैंक को दो चीजें की सकते हैं, या तो बैंक को डूबने दिया जाए, डूब जाओ तुम मरो मुझे कोई मतलब नहीं है इस बात से, या फिर मैं डूबते हुए बैंक को बचा लूं, दो चीजें कर सकता हूं मैं, और ये दोनों काम कौन करेगा, सरकार ही करेगी। अब होता क्या था कि डूबते हुए बैंक को डूबने नहीं दिया जाता था, क्यों,
क्योंकि वहां पे कई सारे लोग काम कर रहे हैं। अब अगर बैंक ही बंद हो जाएगा तो वो सब लोग एकदम से क्या हो जाएंगे, उनका जॉब से जॉब चली जाएंगी। एक पॉपुलिस्ट एजेंडा, इतने लोगों की जॉब चली गई, इतने सारे लोगों का जो पैसा जिन्होंने डिपॉजिट कर रखा था वो भी डूब जाएगा। सरकार को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, अगली बार को वोट नहीं देगा उनको, तो डूबने तो वो नहीं देंगे। अब अगर डूबने नहीं देंगे तो डूबने ना डूबने का मतलब क्या है कि भैया जो उनके एनपीएस हैं, एनपीएस क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो उन्होंने कर्जा दे रखा है, अब कर्जे से उनको इंटरेस्ट तो आ नहीं रहा है, जो लोन दे रखा है वो बैड डेट्स हो गए हैं, बैड लोन्स हो गए हैं सबके सब, कोई उनको चुका तो रहा नहीं है। तो अब सरकार क्या करे, सरकार के पास में जो पैसा है, ठीक है, सरकार उस पैसे से इस मतलब जितने भी एनपीएस हैं उतना पैसा जो है, उतने पैसे जो है सरकार बैंक में बैंक को दे दे, ये कर सकते हैं। पर इसमें भी एक और प्रॉब्लम है, सरकार के पास में पैसा कहाँ से आता है बताओ? टैक्सेस, टैक्स, और बताओ रेवेन्यू कलेक्ट करती है गवर्नमेंट। हाँ, टैक्स, टैक्स भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे, इनकम टैक्स बहुत सारे होते हैं, ये जीएसटी हो गया इसके अंदर, पर टैक्स से ही पैसा आता है। सर लाइसेंसेस इशू करती है, वेरी गुड, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। हाँ, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, नॉन टैक्स मतलब तो टैक्स से नहीं आता है। अब जैसे लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन हो गई, या मैंने कोई जैसे सरकार ने कोई बुक छाप दी तो बुक अगर कोई खरीदता है तो उसके पैसे हो गए, सरकारी रेलवे चलाती है तो उसके जो पैसा आया वो हो गए, ठीक है समझ में आ गई बात। इन सब तरीकों से सरकार के पास पैसा आता है। अब बेसिकली टैक्स से भी पैसा आ रहा है, ये पैसा जो है अगर मैं आपको बताऊं तो टैक्स से ज्यादा पैसा आता है, ठीक है, ओवरऑल। तो अब हम ये पैसे को हम किसी बैंक का उधार चुकाने में लगा रहे हैं। मतलब बैंक बेसिकली क्या किया, सपोज करो आप बीओबी ले लो, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने मुझे लोन दिया 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का लोन दिया मुझको, ठीक है, मैं पैसा लेके भाग गया, कहां पे, लंदन चला गया मैं। अब इस बैंक ऑफ बड़ौदा को 1000 करोड़ रुपए तो चाहिए ना, सारा डूब गया इसके। और अगर ये 1000 करोड़ को, या तो अब दो तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा काम कर सकता है, या तो इतना प्रॉफिट कर ले। अब प्रॉफिट करने के लिए क्या होगा कि उसे लोन्स के रेट बढ़ाने पड़ेंगे, है ना, जो 12% का लोन दे रहे थे उसको 14% करना पड़ेगा। जैसे ही उसने लोन के रेट्स बढ़ाए, कोई लोन लेने उसके पास में जाएगा नहीं, यू गॉट माई पॉइंट, कोई लोन लेने जाएगा ही नहीं, वो कहेगा भागो यहां से तुम, मैं तो SBI के पास जाऊंगा जो मुझे 12% पे लोन दे रहा है। तो वो लोन के रेट बढ़ा नहीं सकता, प्रॉफिट इसलिए उसका इतनी आसानी से आएगा नहीं। अब इस ये जो खड्डा है इसके ऊपर 1000 करोड़ का, ये कैसे फुलफिल करेगा वो, ठीक है, ये अब बैंक ऑफ बड़ौदा है कि इसका सरकार का कि चलो तुम, हम पैसा दे देते हैं। तो अब सरकार ने मेरे डिफॉल्ट को, मैं पैसा लेके भाग गया था लंदन को, मेरे डिफॉल्ट को जनता से पैसा, जनता के पैसे से भरा, टैक्स पेयर्स मनी से उसको भरा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अल्टीमेटली फ्रॉड कोई कर रहा है, भरना मुझे पड़ रहा है, मुझे नहीं मतलब आप सबको, मैं तो पैसे लेके भाग गया, समझ में आ रही है बात। तो सरकार के पास में ये भी, ये तो डूबने का मतलब बचाने का तरीका, ये समझ में आ गया, सरकार क्या कर रही है, सरकार बचा रही है बैंक को पैसा डाल के। पैसा कहां से आया, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से, टैक्स से उसको दिया। और अब ये मैं बताऊंगा आपको, बैंक डेट जो है कम से कम नहीं तो 1.5-2 लाख करोड़ रुपए के एनपीएस है, अभी 2 लाख करोड़ रुपए के सारे बैंक के एनपीएस है हमारे पास में, अगर आपको नहीं पता है तो 2 लाख करोड़ रुपए। एनी डाउट? नो सर। मजा आ रहा है पढ़ने में, इंटरेस्टिंग लग रहा है या बोरिंग हो, बोर हो रहे हो आप लोग? इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है, चलो गुड। पढ़ाने वाले का भी कुछ स्टाइल होता है कभी कभी ना, यू नो, ओके। तो हम क्या बात करते हैं, हाँ, अब सरकार को अगर वो बचाने, डूब जाना
और बचाना, तो डूबने तो दे नहीं सकते, क्यों? मैंने बता दिया आपको क्या रीजन है, जिन लोगों का उस बैंक में पैसा है वो लूट जाएंगे, तो लोगों का बैंक से भरोसा उठ जाएगा, बैंक से भरोसा उठ जाएगा, लोग कभी बैंक में पैसा जमा ही नहीं कराएंगे, ठीक है, सरकार को गालियां देंगे कि तुमने बैंक लूटने दिया, है ना, तो वो भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। बचाने के लिए उनको टैक्स पेयर्स मनी देनी पड़ेगी, वो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब आती है नई बात, सरकार एक और चीज कर सकती है, ठीक है, जो पहले उन्होंने जो चीज का ऑपोजिट किया था वही सरकार क्या कर सकती है, प्राइवेटाइज कर सकती है बैंक, कि भाई सरकार ये बोले, जैसे ये अब एक बैंक लगा लो, बैंक ऑफ बड़ौदा ही लगा लो चाहे, ठीक है, इसके ठीक है, इसमें सरकार को सपोज करो ये बैंक प्रॉफिट बनाता है 10,000 करोड़ का हर साल का, सपोज इट 10,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाता है, ठीक है, तो ये प्रॉफिट का कितना परसेंट शेयर, जितने परसेंट सपोज करो बैंक क्या हाँ, सरकार के पास में इसके 60% शेयर्स हैं, तो ये 60% जो शेयर्स हैं इसका मतलब 6,000 करोड़ रुपए बैंक सरकार के पास जाएंगे इसके, हाँ ना। अब क्या करे सरकार, क्या करे इस बैंक के अपने 60% शेयर्स को बेच के अपने 49% शेयर्स बेच दिए, तो अब तक मेजोरिटी स्टेक होल्डर कौन था, सरकार थी, 60% से 11% शेयर्स बेच दिए, तो उससे क्या हो गया, 11% अपने शेयर्स बेच दिए, तो एक तो जिसने खरीदे, सपोज करो मैं वो आदमी हूं, मेरे को लगा कि यार ये बैंक बढ़िया है, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट देता है, 11% मैं ले लेता हूँ शेयर्स, मैंने 11% शेयर्स ले लिया, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या हो गया, टोटल इन माइनॉरिटी आ गई, मतलब गवर्नमेंट इज नॉट द कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ दिस बैंक नाउ, समझ में आ गई बात की नहीं आई। सो दिस प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट 60% से 49% में आना, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन, समझ में आ गई बात की नहीं आई। अब क्या होगा, मैं सरकार को 11% शेयर्स लेने के बाद सरकार को पैसा दूंगा, सरकार के पास पैसा आ गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं इसको, डिस इन्वेस्टमेंट। अब सरकार सिर्फ बैंक का ही डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करती है, सरकार में और भी कई सारी जो सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे की मेजोरिटी स्टेक होल्डर सरकार का है, उनका भी डिसइन्वेस्टमेंट करती है और वहां से उनके से पैसा आता है, ठीक है। अब जैसे ही जैसी सरकार माइनॉरिटी में आई, मतलब स्टेक होल्डर स्टेक उसके हाथ में नहीं है, अब क्या होगा, हर बैंक का, चलो थोड़ा सा और कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं, ये क्लियर ऑल कैसे होता है इसी? चलो थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूं। सर वैसे प्राइवेटाइज करने के बाद उसका डेब्ट कैसे खत्म हो जाता है? मैं बता रहा हूँ, डेट कम नहीं होता है, ठीक है, उसको मैनेज किया जाता है, मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। Also sir, government के पास 60% shares होते हैं क्या? Because अगर 51% हो तब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने example दिया था कि 60% shares हैं by the way, otherwise 51% share पे भी government का control है उस bank के ऊपर, मैंने example दिया था आपको थोड़ा समझाने के तौर। अच्छा, अब क्या है, कंपनी जो है, मेरी जेब में ना बहुत सारा पैसा रखा है, मेरी जेब में 100 करोड़ रुपए रखे हैं, मैंने 100 करोड़ रुपए को एक हॉस्पिटल बना दिया, अब इस हॉस्पिटल से, सॉरी मैं थोड़ा सा हेल्थ केयर का आदमी हूं तो मेरे को इनके ज्यादा एग्जांपल्स आते हैं, सॉरी बैंक बना दिया मैंने, 1,000 करोड़ लगा लेते हैं, 100 करोड़ कम है, 100 करोड़ पे कोई लाइसेंस नहीं देता है, इनफैक्ट 1,000 रुपये भी नहीं देता, 10,000 करोड़ लगा लो, बैंक बना दिया मैंने, मेरी जेब में पैसा। अब मैंने जब ये बैंक बना दिया तो इस बैंक का जो भी प्रॉफिट होगा वो किसके पास जाएगा,
आपके पास वेरी ऑब्वियस बात है, मेरे पास जाएगा इसका प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या कहते 10,000 करोड़ रुपए यार किसके पास में होते हैं यार, ये तो बस कहने की बात है, इतना अमीर आदमी मैं नहीं हूँ। 10,000 करोड़ रुपए को मैंने क्या करा, अपने पास से मैंने 100 करोड़ रुपए लगाए, ठीक है। बाकी मैंने मेरे 100 दोस्त हैं ऐसे, 100 फ्रेंड्स हैं मेरे ऐसे, ठीक है, 100 फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने सबने 100-100 करोड़ रुपए दे दिए, नहीं 100-100 नहीं 99 करोड़ रुपीज दे दिए, सबने 99 करोड़ रुपीज दे दिए 100 फ्रेंड्स ने मेरे, तो अब मेरे पास कितने हो गए 9900 करोड़ और 100 करोड़, तो ये टोटल कितना हो गया 10,000 करोड़ का। मेरी मैंने एक कब क्या करा, ये एक मेरा बैंक खुला और बैंक का प्रॉफिट होगा, तो अब मुझे बताओ सबके पास प्रॉफिट कितना कितना जाएगा अकॉर्डिंग टू द शेयर्स, अकॉर्डिंग टू द जितना जिसके पास में पैसा है, मतलब जितना इसने इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से तो जाएगा। यहाँ पे सारा प्रॉफिट मेरी पॉकेट में था, यहाँ पे प्रॉफिट जो जाएगा इन प्रपोर्शन मेरे को 100 करोड़ के हिसाब से मिलेगा, 99 करोड़ के हिसाब से लेगा, समझ में आ गई बात। अच्छा अब एक और चीज समझो, अगर जब ये 10,000 करोड़ मैंने लगाए थे, बैंक खुला था, प्रॉफिट है, यहाँ पे अगर कोई डिसीजन बनाना है तो कौन बनाएगा? आप अकेले? मैं अकेला बनाऊंगा भाई, आई एम द ओनर, आई एम द बॉस, आई एम द बेस्ट। बट यहां पे अगर डिसीजन बनाना है तो कलेक्टिव डिसीजन होगा मेजॉरिटी से, पार्टनर। वेरी गुड, कलेक्टिव डिसीजन होगा, कलेक्टिव डिसीजन होगा, वेरी गुड, कलेक्टिवली। भाई 101 लोग मैं और बाकी सब जो 100 लोग हैं, 101 मिलके सब बैठ के डिसीजन बनाएंगे, डिसीजन मेकिंग कहां आसान होगी? तो प्राइवेटाइज्ड हो। नहीं नहीं, जो मैं अकेला हूं यहां पे डिसीजन मेकिंग आसान होगी, यहां कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग मुश्किल होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब एक बात लॉजिकली सोचो यार, मैं तो एक हॉस्पिटल वाला आदमी हूं, मेरे को हेल्थ केयर समझ में आता है ज्यादा, ठीक है, बैंक वैंक मुझे समझ में ही नहीं आते उतने है, और बैंक से रिलेटेड मैंने बैंक खोल दिया है, तो मैं एक डिसीजन बना रहा हूं, पहला पॉइंट। और यहां पे 100 मेरे जो फ्रेंड्स हैं, इसमें से 70 फ्रेंड्स जो हैं ये सब इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं। तो ये जो डिसीजन बनाएंगे, अब मुझे बताओ कि किसका इंपैक्ट ज्यादा बेटर डिसीजन होगा, कुछ सोचो, इनका होगा ना बेटर डिसीजन, ऑब्वियसली यार ये इसी को दिन भर देखते हैं। मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में मैं थोड़ा सा एक्सपर्टीज रखता हूँ, तो मेरे को तो वहां का ज्यादा पता होगा, इतने अच्छे में डिसीजन नहीं बना सकता हूँ। अब आगे की बात, ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये डिसीजन अच्छे बनाएंगे तो इनका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा एंड ऑल दैट। अब एक और चीज भी होती है इसके अंदर, अब मैं थोड़ा सा इसको, ये तो मैंने आपको एक फ्रेम्ड एग्जांपल के तौर पे बता दिया, थोड़ा सा मैं इसको और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बताता हूँ। मुझे जब 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, मैंने अपने पास से लगा दिए 1,000 करोड़ रुपए, अब मुझे 9,000 करोड़ रुपए और चाहिए बैंक खोलने के लिए। 9,000 करोड़ के लिए मैंने क्या करा, 9,000 करोड़ रुपीज मुझे और चाहिए, तो 9,000 करोड़ के लिए मैंने क्या करा, मैंने अपने 90 दोस्तों को बोला कि 10-10 करोड़ रुपए तुम निकालो, 90 फ्रेंड्स को बोला कि तुम 10-10 करोड़ रुपए निकालो, ठीक है, 10 करोड़ रुपीज, तो कितने हो गए 900, और ये हो गया 100 को बोला, 100 को बोला 10-10 करोड़ रुपए निकालो, तो कितने हो गए 1,000 करोड़, ये हो गए। अब बच्चे मेरे पास 8,000 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपए का मैंने क्या करा, मैंने इसके लिए मतलब शेयर्स निकाल दिए मार्केट में, और मार्केट में आप जैसे या मतलब और जैसे जो लोग हैं उन्होंने शेयर्स खरीद लिया कि भाई 1 रुपए का 1 शेयर, 1 रुपी 1 शेयर, ठीक है, तो ऐसे 8,000 करोड़ लोग आए, नहीं बहुत ज्यादा हो गया, हाँ 8,000 करोड़ शेयर्स को खरीद लिया गया, सपोज कर लो 8,000 करोड़ लोग शेयर्स को खरीद लिया गया, मतलब हर आदमी ने सपोज करो 800 शेयर्स खरीद लिए, हर आदमी ने 800 रुपए के शेयर्स खरीद लिए, तो 800 शेयर्स खरीद लिए उन्होंने, ठीक है, तो कितने 10 करोड़ लोगों ने खरीदे, तो 8,000 करोड़ रुपए में तो ऐसे आ गया। अब वापस वी विल गेट बैक टू द सेम थिंग,
वापस वी विल गेट बैक टू द सेम थिंग. हमने हमने बात किया था डिसीजन मेकिंग, समझ में आ गई बात. अब मुझे बताओ यहां पे जो डिसीजन मेकिंग है, एक में 100 ये 100 ये हो गए, कितने हो गए 1+100 प्लस, यहाँ पे कितने लोग हैं, हर आदमी ने 800 रुपए के शेयर लिए, तो 80 करोड़ लोग ये हो गए, 80 नहीं 100 करोड़ लोग, नहीं जितने भी हो गए 10 करोड़ सॉरी 10 करोड़. तो टोटल कितने लोग हो गए, 1+100 101+10 करोड़, मतलब 10 अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ लोग अब बैठेंगे, अब डिसीजन बनाएंगे. पहली बात तो इन लोगों को इकट्ठा करना एक जगह पर इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम. पहले तो इकट्ठा ही नहीं किया सकता. दूसरी बात क्या है, इस डिसीजन को आसानी से बनाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि कोई एग्रीकल्चर है, कोई एग्रीकल्चर वाला है, कोई कोई इकोनॉमिक्स का है, कोई हेल्थ का है, कोई एनर्जी सेक्टर से है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई लॉयर है. अब अगर इन सब की बातें सुनेंगे तो भैया तो डिसीजन तो आएंगे. तो फिर क्या किया जाता है इस केस में, इस बैंक को ना एक बोर्ड बनाना पड़ता है, ठीक है, एक बोर्ड जिसमें कि बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे, और 15 मेंबर 20 मेंबर डिपेंड करता है कि भाई कितने कितने मेंबर्स हो सकते हैं. सपोजिटली 20 मेंबर लगा लेते हैं, 20 मेंबर की एक बोर्ड बना दिया. अब ये 20 लोग बैठ कर मीटिंग करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि हमें आगे अपने बैंक की पॉलिसीज क्या रखनी है, और जब हम ये डिसाइड करेंगे कि बैंक की पॉलिसीज क्या रखनी है हमने, जब हम ये डिसाइड करेंगे बैंक की पॉलिसीज, तो उससे हम प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड करेंगे, ठीक है. तो अब क्या होगा कि जो मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट होगा ये इस बोर्ड के पास में होता है बेसिकली. अब जब तक सरकार के पास में मेजोरिटी स्टेक्स थे, तो इन 20 लोगों में अधिकतर सरकार के लोग बैठे थे. जब सरकार के लोग बैठे थे तो सरकारी चीजों को अपने दोस्त बंधुओं को लोन दिलवा रहे थे या वो प्रॉब्लम कर रहे थे, तो प्रोफेशनलिज्म नहीं आ रहा था. जैसे ही हमने 49% शेयर्स हुए, तो क्या हुआ, उस 20 में से 11 लोग जो थे, एक तरह से ये समझ लो 11 मेंबर्स जो हैं वो प्रोफेशनल्स हो गए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स हो गए. सरकार का कोई उनका इंटरवेंशन नहीं था उसमें. अब क्या होगा, ये जो 11 लोग हैं विल मेक डिसीजंस. ये 11 लोग डिसीजन बनाए, और अब सरकार का इंटरवेंशन कम हो गया है. तो ये नहीं बोलते ऐसा करना है. पहले क्या था, सरकारी लोग कर रहे थे तो वो अपना हिसाब चलाते थे. इस वजह से द पॉलिसीज एंड ऑल जो है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपैरेटिवली इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है. और जैसे ही प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी तो आपके एनपीएस कम होंगे, ठीक है, एकदम से खत्म नहीं होंगे, बट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, मैनेजमेंट प्रोफेशनलिज्म आएगा, तो उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो एनपीएस कम होंगे. दैट इज द थॉट प्रोसेस. होगा नहीं होगा अभी इस बात का कुछ पता नहीं है. ये माना जाता है कि प्राइवेट बैंक अच्छा कर रहे हैं, तो ये उस हिसाब से कि भाई आईसीआईसीआई बैंक अच्छा कर रहा है, एचडीएफसी बैंक अच्छा कर रहा है, तो उस हिसाब से हम सोच रहे हैं. होगा नहीं होगा अभी इसका कोई गारंटी नहीं. मैंने आपको एक नटशेल में नेशनलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन समझाया है, ठीक है. अब हम फटाफट से इसकी पीपीटी को देख लेते हैं, ठीक है, जो हमने अब तक पढ़ा है वो ही मोस्ट प्रोबेबली पीपीटी इसमें भी है, ठीक है. एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी. सर, आपने बोला जो 11% 11 लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग करेंगे, बट देन व्हाट अबाउट 11 लोग नहीं करेंगे. नहीं 11 लोग नहीं करेंगे, करेंगे 20 ही लोग, लेकिन 11 और प्राइवेट सेक्टर से हैं तो उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म ज्यादा होगी, ऐसी अजम्पशंस हैं. या प्लीज गो अहेड. बट देन दे आर इलेक्टेड, राइट? दे आर इलेक्टेड आल्सो, दे आर नॉमिनेटेड आल्सो, दोनों चीजें होती हैं. दे आर इलेक्टेड आल्सो, दे आर नॉमिनेटेड आल्सो. नॉमिनेट कौन करता है इनको?
बोर्ड मतलब जैसे अब तक क्या होता था सरकार का अगर ज्यादा लोग हैं ठीक है सरकार का दबदबा ज्यादा है तो सरकार नॉमिनेट कर रही थी भैया हमारी तरफ से ये होगा हमारी तरफ से ये आदमी होगा इस बैंक का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठेगा वो ये बैठेगा नॉमिनेट कर दिया इलेक्टेड की भाई उन लोगों में से सिलेक्ट कर लिया कि भाई ये होगा ये होगा ये होगा ऐसे कैसे करके चलता रहता है आगे बताओ तो मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वही और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे और नॉमिनेट करेंगे ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है इसके लिए भी क्या होता है इसके लिए भी वोटिंग वगैरह होती है हर कंपनी का अलग अलग मैकेनिज्म होता है कि वो कैसे कैसे करना चाहते हैं सर जो PSUs होते हैं उनमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो तो मेरे ख्याल तो मतलब कुछ कुछ तो IAS भी होते हैं ना हाँ भाई ये रिटायर्ड IAS एक ऐसी पोजीशन है कि एक बार IAS बनने के बाद में आप जिंदगी भर खाली नहीं बैठोगे रिटायर्ड होने के बाद में कोई तुम्हें किसी बोर्ड का चेयरमैन बना देगा कि भैया आज या एक जैसे जस्टिस JS वर्मा कमेटी बना दी थी कि कोई कमेटी का बताओ कि भैया क्या करें हम ये कमेटी बना दी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं रिटायर्ड IAS ऑफिसर को बिठा देगा कोई भी हो सकता है एनीवन जो कि पर्सन ऑफ रिप्यूट हो कि हाँ मतलब कि हाँ ये पढ़ा लिखा इतना पढ़ा लिखा आदमी है इसने ये काम किया है वो काम किया है उस हिसाब से होता है हाँ तो मतलब वो भी कॉम्पिटेंट तो होते होंगे पर जरूरी नहीं है कि हर कोई उतने अरे भैया वो हम तुमसे हमारे से तो होते ही ज्यादा वो तो है बट जो प्राइवेट बैंक मतलब प्राइवेट कंपनीज होती है उनके कंपेरेबल में मैं वो कह रहा हूँ शायद ना भी हो नहीं ऐसा कुछ नहीं है बट होते हैं यूजुअली IAS जो है ना मैं बताऊं तुमको IAS इंडिया का दिमाग है मैं बताऊं तुमको अगर IAS लोग अपना हमारे देश को सिर्फ IAS लोग चलाने लगे सिर्फ IAS लोग मैं बताऊं बहुत सारी चीजें ऊपर उड़ जाएं क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलिस्ट एजेंडा बहुत चलता है ठीक है रीजनलिज्म बहुत चलता है और कम्युनलिज्म बहुत चलता है ठीक है उसके कारण पॉलिटिकल पार्टीज ने इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा कर रखा है अगर सिर्फ IAS देश को चलाएं सिर्फ IAS तो आई एम क्वाइट श्योर जो मुझको उम्मीद है बहुत अच्छे से हमारे जो अगर तुम कमिटीज की रिकमेंडेशंस पढ़ो ना वो क्या क्या सोचते हैं कैसे कैसे सोचते हैं ये सारा काम IAS लोग करते हैं भाई उनका दिमाग की आपको दाद देनी पड़ेगी इस तरह से काम करते हैं मैं पढ़ता हूँ तो मुझे पता है कि यार कितना दिमाग लगाया हुआ ये सब चीज को सोचने में उन्होंने ठीक है इनफैक्ट रिटायर्ड जजेस भी होते हैं इनमें IAS तो होते ही होते हैं मतलब एमिनेंट पर्सनालिटीज होते हैं ओवरऑल चलो एनीथिंग एल्स तो बेसिकली जैसे ही गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेचती है मतलब यू नो इट मेक्स द बैंक गो प्राइवेटाइज देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरी कमिटी इज फॉर्म एंड नॉमिनेटेड एंड देन द बैंक स्टार्ट इट्स प्रोसीजर्स हाँ वो अपना बेसिकली क्या है कि मैनेजमेंट चेंज हो जाता है ठीक है तो उससे क्या होता है मैनेजमेंट अपने हिसाब से चीजें चलाती है ठीक है तो उस वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होता है कि नहीं मेरे आदमी को लोन दो वो ऐसे इंटरवेंशन थोड़ा कम हो जाता है इस वजह से ओवरऑल क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं प्रोफेशनलिज्म आने के चांसेस ज्यादा होते हैं ठीक है सरकार बस एक मतलब बैठी है और लोग आते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ता है इस बात से दैट्स व्हाट द टोटल मीनिंग ऑफ दिस ओके तो क्या था कि यूनियन बजट 21-22 में बोला था कि दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम करेंगे प्राइवेटाइज करेंगे ठीक है तो पहले ही मैंने डिसइन्वेस्टमेंट बताया ना डिसइन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है सरकार की कंपनी एटॉमिक एनर्जी में भी है स्पेस में भी है डिफेंस में भी है ट्रांसपोर्टेशन टेलीकम्युनिकेशन बैंकिंग इंश्योरेंस फाइनेंस इन सब में सरकार की अपनी अपनी कंपनीज है जैसे इंश्योरेंस में कौन सी सबसे बड़ी कंपनी है सरकार की नाम बताओ अरे इंश्योरेंस में LIC सरकारी कंपनी है ऐसी बैंक तो ये क्या है डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि अगर किसी में भी अपनी मेजोरिटी स्टेक होल्डर को हम कम कर दें अगर दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट मेजोरिटी को नहीं ऐसा नहीं है कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये भी होता है कि मेरे 57% स्टेक्स थे एक कंपनी में उसको मैंने घटा के 56.9% कर दिया 0.1% शेयर्स बेच दिए दैट इज ऑल्सो डिसइन्वेस्टमेंट समझ में आ गई बात हाँ या ना तो बेसिकली सरकार ने पहले से ही सोच रखा है कि कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ की हमें डिसइन्वेस्टमेंट करनी है तो इसीलिए दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ये डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं व्हाट इज CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वे भी प्राइवेटाइज किए जाएंगे सर जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था पब्लिक एंटरप्राइजेस
तब ये बैंक्स प्राइवेटाइज क्यों नहीं, दिस इज ऑल हैपनिंग राइट नाउ, बट लाइक द 1991 एक्ट ऑफ नो एलपीजी, तो तब जब प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हुए थे तब बैंक्स क्यों नहीं प्राइवेटाइज हुए, मतलब वाजंट दोज अ पार्ट ऑफ इट. देखो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, उस दिन हो नहीं गया था, आज से हो गया सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. अगर आप देखो तो इसी के बाद से आप लोग शायद पता नहीं पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे, मुझे नहीं पता इनमें से कितने लोग पैदा हुए होंगे 1991 से पहले. इससे पहले एक चैनल आता था दूरदर्शन, याद है किसी को, सिर्फ एक अपने पेरेंट्स से पूछना, उन्हें पता होगा पक्के से कि दूरदर्शन आता था. 1991 के बाद से कितने सारे चैनल्स आने शुरू हो गए, एक दिन में आ गए सारे क्या? यू गेटिंग माय पॉइंट? एक दिन में नहीं आ गए, धीरे 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 करके आए यार. मतलब दैट वाज द एकदम से हमने थॉट प्रोसेस बदल दिया, हमारा थॉट प्रोसेस बदल गया. दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि अब हम ऐसा करेंगे, उस दिन हो नहीं जाता एक दिन में. मैं आपको एक और बात बताऊं, सती प्रोहिबिशन एक्ट Somewhere in 1830s पास हो गया था, Somewhere in 1830s, सती प्रोहिबिशन एक्ट. यू नो व्हाट? 1995 तक भी सती हुई है कुछ लेडीज. आप गूगल कर लेना, 1995 में भी हुई है. कैन यू इमेजिन 1830 से लेके एक्ट बन के 1995, कितने साल हो गए? लगभग 160-165 साल हो गए, तब भी सती हुई है. कैन यू इमेजिन दिस थिंग? तो जिस दिन एक्ट बन गया, कुछ चीज आ गई, उसका मतलब ये नहीं होगा कि सब कुछ एक्सेप्टेड हो गया, उसी दिन सब कुछ हो जाएगा, आज से ही ऐसा हो गया. बस क्या है कि अब से लॉ बन गया है, थोड़ा ध्यान से रहना बस, दैट्स द होल थिंग. शैल वी मूव अहेड? अच्छा आप देखो, पीएसयू बैंक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स अंडर डुअल कंट्रोल विद आरबीआई सुपरवाइजिंग बैंकिंग ऑपरेशंस एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री हैंडलिंग ओवर ओनरशिप. आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज कर रहा है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो. फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग उसको मालिक बन के बैठे हैं उसके. तो बेसिकली नरसिम्हम कमेटी की दो कमेटी बनी थी, नरसिम्हम कमेटी, उन्होंने बोला कि भैया हम कमें कम करना चाहिए कम करना चाहिए, ठीक है. ये उन्होंने पीजे नायक कमेटी बनाई थी, उन्होंने कहा कि और भी कम करो, बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है. कौन से बैंक होंगे इसमें आपको ज्यादा नहीं है, 10 नेशनलाइज बैंक है हमारे पास में. कौन से दो होंगे अभी तक नाम डिस्क्लोज नहीं करा है. द टू बैंक विल बी नाउ बी प्राइवेटाइज सिलेक्टेड थ्रू प्रोसेस इन विच नीति आयोग रिकमेंडेशन बनाएगा. नीति आयोग कुछ भी बोलता है दैट इज नॉट मैंडेटरी, दोबारा सुन लो, मैंडेटरी नहीं होता है. नीति आयोग कुछ भी बोलेगा कुछ भी कहेगा, नथिंग डूइंग, ठीक है. तो रिकमेंडेशन विच विल बी कंसिडर्ड बाय अ कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज और ऑन डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है. मतलब बहुत सारे सेक्रेटरीज बैठेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो कहेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, ऑल दैट वो डिसीजन लेके पाएंगे. ओके, नाउ रीजंस फॉर प्राइवेटाइजिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्रीवियस रिफॉर्म मेजर्स हैव नॉट यील्डेड एनीथिंग. अब देखो क्या होता है, मैंने कहा मतलब पहले जो किया गया था उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ. क्या किया गया था? इयर्स ऑफ कैपिटल इंजेक्शंस. व्हाट डू वी मीन कैपिटल इंजेक्शंस? इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो बेसिकली वही, एनपीए ज्यादा बढ़ गए तो पैसा किसने दिया? सरकारी बैंक था, बैंक को डूबने नहीं दिया जा सकता था. तो दिस इज कॉल्ड थोड़ा मतलब स्टाइलिश, देखो मैंने देसी भाषा में बता दिया पैसा देना, स्टाइलिश भाषा ही होता है कैपिटल इंजेक्शंस. समझ में आ गई बात? पैसा दिया सरकार ने, किसका पैसा दिया? एनपीए नहीं, किसका?
लोगों का, हाँ सर लोगों का, पब्लिक का पैसा, टैक्स पेयर्स मनी वॉज इन, मतलब यहाँ पर एनपी में कैपिटल इंजेक्शन दिए गए थे। उन्होंने कहा कि चलो ये है तो सरकारी बैंक, हम जैसे मैनेजमेंट का गवर्नेंस कुछ रिफॉर्म्स करते हैं, मतलब कि भाई इतने लोग बैठेंगे इतने नहीं बैठेंगे, ये डिसीजन ऐसे लिया जाएगा ऐसे नहीं लिया जाएगा, हजार तरीके की चीजें की जाती, पर उनका बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं उससे, उसे फाइनेंशियल पोजिशन में बहुत ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक को बहुत ज्यादा फायदा हुआ नहीं, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, हमारे स्ट्रेस्ड एसेट बढ़ गए, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था स्ट्रेस्ड एसेट्स, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, स्ट्रेस्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, एनपीएस, डाउटफुल एसेट्स, लॉस एसेट्स, लॉस एसेट एंड रिटर्न ऑफ एसेट, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने लास्ट टाइम, वही है ये। तो मतलब क्या, मेनी ऑफ देम, मतलब गवर्नमेंट के बहुत सारे बैंक्स के हायर लेवल ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स थे, बहुत ज्यादा इनका स्ट्रेस्ड एसेट्स, मतलब बहुत ज्यादा इनका बेसिकली एनपीए बढ़ गए थे। ऑल्सो लाइक लेटर प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं थी, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, बेसिकली क्या है कि टोटल मार्केट में कितना पैसा है उसका, ठीक है, उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, दैट्स इट, इतना बात समझ लो अभी। एंड डिविडेंड पेमेंट रिकॉर्ड, व्हाट डू मीन बाय डिविडेंड पेमेंट, डिविडेंड क्या चीज होती है सर? जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को आधा रिटर्न दी जाती, ठीक है, जैसे प्रॉफिट, जब मैं अकेला बैंक का ओनर था तो सारा प्रॉफिट मेरी जेब में आ रहा था, जब मैं और मेरे 100 दोस्त ने मिलके बैंक बनाया तो उसका प्रॉफिट उतने प्रोपोर्शंस में बट गया, ठीक है। अब जब मैं मेरे 100 दोस्त और 10 करोड़ शेयर होल्डर्स, जब हम सबने मिलके बैंक का प्रॉफिट की बात करी थी, ठीक है, तो फिर क्या होता है, जिसने शेयर्स लिए होते हैं तो ये बोर्ड डिसाइड करता है, बोर्ड, जो बोर्ड मैंने बताया था ना डिसीजन मेकिंग वाला बोर्ड, वो बोर्ड डिसाइड करता है कि हमें कितना पैसा फर्दर बैंक या उस पर्टिकुलर कंपनी को बढ़ाने के लिए करना है, कितना पैसा हमें लोगों को एज अ प्रॉफिट का कितना पैसा डिविडेंड पेमेंट में जाना चाहिए लोगों को, जो कि मतलब जितना पैसा डाला हुआ है उसके हिसाब से डिविडेंड पेमेंट हो जाए, ठीक है। डिविडेंड मतलब उसका बेसिकली प्रॉफिट, जितने परसेंट शेयर लिए हो उसका प्रॉफिट उन्हें मिलता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड पेमेंट। इज इट वेरी क्लियर विद एवरीवन? प्राइवेटाइज क्यों करें? क्योंकि ये बहुत टाइम से सरकार सोच रही थी, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन करेंगे। प्राइवेटाइजेशन करने से फायदा क्या होता है? एक फायदा सरकार को, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है बताओ? लोड तो कम होता है, सबसे बड़ी बात है पैसा मिलेगा भैया, प्राइवेटाइज करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। जितने परसेंट स्टेयर, अगर आपके पास में किसी कंपनी के शेयर्स हैं आप बेच रहे हो तो आपको क्या मिलेगा उसका पैसा? सेम उनको भी मिलेगा। तो ये बहुत टाइम से सोच रखा है, ये बहुत टाइम से स्ट्रेटजी चल रही है, बेचना है। कोशिश उन्होंने इसको भी बेचने की थी। व्हाट डज इट मीन? नहीं, सॉरी, इसको भी बेचने की बहुत टाइम से कोशिश कर रही है, कोई खरीदार ही नहीं मिला इसका, तो ये भी सरकारी कंपनी है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी नेशनलाइज किया गई थी, पहले के टाटा एयरलाइंस थी, टाटा की थी ये, क्या टाटा वाज अ वेरी जेन्युइन पर्सन, तो उन्होंने कहा नहीं चलो ले लो आप, ठीक है। ये बहुत टाइम से सरकार सोच रही है, ये सरकार का गवर्नमेंट बर्डन कम करती है, प्राइवेटाइजेशन फ्री अप गवर्नमेंट फ्रॉम मेजोरिटी ओनर, फ्रॉम कंटिन्यूइंग टू प्रोवाइड इक्विटी सपोर्ट, बार बार उन्हें पैसा डालना पड़ता है बैंक में, ठीक है, 70,000 करोड़ रुपए इतना दिया, फिर मतलब 2019 में उन्होंने 70,000 करोड़ रुपए दिए हैं, कैन यू इमेजिन सब बैंक्स को कि भैया तुम्हारा एनपीए कम हो जाए, 80,000 करोड़ रुपए 18 में दिए हैं, 1.0 लाख करोड़ रुपीस फाइनेंशियल ईयर 19 में दिए हैं रीकैपिटलाइजेशन बॉन्ड से, अब ये अलग ही चैप्टर अपने आप में, मतलब कैसे दिया, बोले पैसा दिया बस उन्होंने, इतना समझ लो, ठीक है, रीकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स के थ्रू उन्होंने उनको पैसा दिया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, हेल्थ केयर वाले कितने हैं यहाँ पे ना? यस बोल दो, कोई है हेल्थ केयर वाला?
यस सर कौन है नाम नाम तो बता दो यार सर प्राची ओके प्राची एंड ओके चलो यहाँ पे ध्यान से सुनना बात अब मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज दिस अच्छा सॉरी व्हाट इज दिस हेल्थ केयर वाले दोबारा से इसे और साइड में लिखना बैंक्स देख लिया किसी ने क्या चीज है ये बताओ कोई एनीवन इट्स बेसिकली अ प्लान दैट द गवर्नमेंट हैज पास्ड टू लेट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स कंपीट विद द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बाय यू नो रिवैम्पिंग दैट पर्टिकुलर वर्किंग प्रोसेस एंड इट्स रिटन इट्स सजेस्टेड बाय पीजे नायक कमिटी ऑन द बैंकिंग सेक्टर ये प्रोग्राम चल रहा है इसे कंफ्यूज मत करना दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ये दो हैं बैंक से रिलेटेड भी है और हेल्थ से रिलेटेड भी है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ठीक है बट दैट्स द ओनली थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हैं और हमने तीन रीजन देख लिए ठीक है एक और रीजन है पोस्ट कोविड सिनेरियो कोविड रिलेटेड रेगुलेटरी रिलैक्सेशंस लिफ्ट कर ली गई थी बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट हायर एनपीएस लोन लॉसेस गवर्नमेंट को और पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट के पैसा कम है अब समझो क्या चीज है आपने पिछले कुछ टाइम में ये वर्ड सुना है आपने आरबीआई आई कही कि भैया आरबीआई ने हमने ईएमआई मोरेटोरियम कर दिया है 5 महीने के लिए 6 महीने के लिए ये मार्च 2020 से लेके सितंबर 2020 तक किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है मर्जी है आपकी दो दो नो अगर तुम्हारा काम चल रहा है तो ठीक है नहीं चल रहा तो भी ठीक है मत देना पैसे तो कोई कुछ नहीं है ये सुना था आपने किसी ने क्या चीज है कोई बता सकता है मुझे ये सर जब बीच में सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि किसी के पास पैसे नहीं थे उतने तो उनको ईएमआई अपनी होल्ड करने का टाइम मिल गया था मतलब वो जब वापस से काम शुरू हुआ तब आप ईएमआई कंटिन्यू कर सकते हैं वेरी गुड वेरी गुड तो जैसे मैंने होम लोन लिया हुआ है अगर तो मैंने अगर इसके लिए अप्लाई किया मेरी ईएमआई अगर 50,000 रुपये जाती है 50,000 रुपये मेरी ईएमआई जाती है तो इन 6 महीने के बीच में मेरी 50,000 रुपये की ईएमआई मुझे देने की जरूरत नहीं है ठीक है उसके बाद नॉर्मल अपने अक्टूबर से जो है अपने ईएमआई देना शुरू कर दो जस्ट इमेजिन वन थिंग कि इससे फायदा किसको हुआ मुझको मुझको यार 6 महीने तक पैसे नहीं देने पड़े मेरा तो पैसा बच गया मजा आ गया मुझे तो आया ना अब सुनो ये बैंक्स पे रेगुलेटरी रिलैक्सेशंस जो है ये रिलैक्सेशन मुझको मिली है लेकिन इमेजिन इससे बैंक का ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा आया ना व्हाट इज एनपीए एनपीए कैसे बढ़ेगा जब लोग इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे मतलब ईएमआई पे नहीं करेंगे सिंपल Is as simple as that. भाई banks का NPA तो बढ़ेगा बढ़ेगा भैया आपके जो बैंक में पैसे रखे हुए हैं क्या बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं दे रहा है दे रहा है इंटरेस्ट आपको रेगुलरली लेकिन उन्होंने भी मतलब अब अपने अब लेकिन इनके NPAs तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे बैंक तो इंटरेस्ट हमें दे ही रहा है चाहे कम ही दे रहा है लो इंटरेस्ट इसीलिए किया है ताकि NPAs को थोड़ा कम किया जा सके समझ में आ गया कैसे अगर पहले वो आपको 7% इंटरेस्ट दे रहे थे तो आपको 6% इंटरेस्ट दे रहे हैं
1% का जो आपको मार्जिन का जो पैसा है वो उन्हें कम देना पड़ेगा, ठीक है। जब कम देना पड़ेगा तो उनका एनपीए जो है थोड़ा सा ऑफसेट हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर में भी इस बारे में बात किया था कैसे ये थोड़ा सा ऑफसेट कर सकते हैं एनपीएस को, रेगुलेटरी रिलैक्सेशन कैसे की गई तो उससे कैसे मतलब एनपीएस। तो अब बेसिकली क्या है, आफ्टर द कोविड रिलेटेड रेगुलेटरी रिलैक्सेशन 50,000 वाली जब ये लिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है ना, तो बैंक्स अपने आप से हायर एनपीएस दिखाएंगे, बताएंगे, उन्हें बताना पड़ेगा कि भैया हमारे इतने टाइम से पैसे नहीं आए, तो बढ़ जाएंगे उनके पास पैसे। लोन के लॉस भी होंगे, ये भी हो सकता है। देखो बहुत सारे ने लोन लिया हुआ है, उन्होंने पहले सोचा कि भैया अब हमारा जो है काम अच्छा चलेगा, लेकिन एकदम लॉकडाउन वगैरह लग गया, उस चक्कर में पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई, अब वो लोन चुका ही नहीं सकता है। सपोज करो एक मैंने दुकान खरीदी, दुकान लोन पे लेके खरीदी मैंने, वहां पे मैं चाट पकौड़े बेच रहा हूँ, ठीक है, कॉलेज के पास में, टिस के पास में, चलो टिस की बात कर लेते हैं, टिस के पास मैंने एक चाट पकौड़े की दुकान खोली कि भैया एक दुकान लेके, वहां पे वैसे एक है दुकान सिद्धि विनायक करके, आप जाओगे तो पता चलेगा, ठीक है, वहां पे मैंने सिद्धि विनायक के साथ में एक मैंने वहां पर चाट पकौड़े की दुकान खोली, वो मैं बेच रहा हूँ। मैंने तो लोन ले लिया कि भैया यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं बहुत सारे, अच्छा मेरा बिजनेस चलेगा, मैं 2 साल के अंदर 3-4 साल के अंदर अपना लोन चुका दूंगा और ये दुकान भी मेरी हो जाएगी, फिर मैं आराम से काम करता रहूंगा। बट इवेंचुअली क्या हुआ, कॉलेज ही बंद हो गया, कॉलेज मतलब कोविड की वजह से कॉलेज में लोग आने ही बंद हो गए, तो मेरा धंधा बंद हो गया, मेरे को काम नहीं कर पा रहा मैं, तो अब मैं क्या सोचूंगा कि यार मैं कैसे पे करूं, तो मैं कहूंगा कि मैं पे ही नहीं कर सकता, जो कर सकते हो कर लो, ले लो भैया मेरे बाकी एसेट्स ले लो आप। तो इवेंचुअली क्या हुआ, लोन लॉस हो गया। समझ में आ गई बात? जैसे अल्टीमेटली एनपीए बढ़ेंगे ना इससे, तो इसका मतलब क्या है, जैसे एनपीए बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट को फिर से पैसा डालना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? एक और बात सुनो, गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारा खर्चा कर रही है कि लोगों को खाना खाने के लिए मिल जाए, फूड के लिए प्रोवाइड करा रही है कि यार लोगों का जिनका काम है उनको कुछ ना कुछ पैसे दे रही थी, याद है आपको, लॉकडाउन में सब कर रही थी, वो तो वो खर्चा कर ही कर रही थी, अब साथ में उन्हें ये वाला खर्चा भी करना पड़ेगा, इंजेक्टिंग इक्विटी इनटू द वीक पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो बेसिकली वो क्या करना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथन द स्ट्रॉन्ग बैंक्स एंड मिनिमाइज द नंबर थ्रू प्राइवेटाइजेशन। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि नहीं आया? हाँ या ना? यस। ओके, चेंज अप्रोच टू फाइनेंशियल सेक्टर प्रॉब्लम्स। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बोर तो नहीं हो रहे तुम लोग? एनी डाउट प्लीज टेल मी। नो सर। ओके, नो सर। प्राइवेटाइजेशन एंड प्रपोजल ऑफ सेटिंग अप एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी entirely owned by banks underline an approach of finding market led solution to challenge the financial sectors। basically keh rahe hai ki asset reconstruction company kholenge, matlab ye ek jo ki banks hi milke kholenge taki npas ko kaise kam kiya jaye uske tarike sochenge ye, theek hai। ek aur bhi tha ki bad bank banayenge, ek bad bank, ye bhi ek solution aaya tha, par ye kitna hoga mujhe nahi pata। bad bank ka matlab kya hai ki एक ऐसा बैंक बनाएंगे जो हर बैंक के एनपीएस को खरीद लेगा, मतलब एनपीएस को खरीद लेगा मतलब जिसने भी लोन को डिफॉल्ट किया तो वो लोन डिफॉल्ट वाला पेपर्स ले लेगा, जो उसके पैसे आते हैं वो उसके पास आएंगे और ये उसको उतने पैसे दे देगा इस बैंक को, और ऐसे वो सारे बैंक के एनपीएस को खरीद लेगा। बैड बैंक, जैसे मैं बैड बैंक हूं तो मैंने सारे बैंक के डेट्स जितने भी है ना, जितने भी उधार कर्जा एनपीएस सब खरीद लिया मैंने। बैड बैंक, बैड लोन बोलते ना, बैड लोन मतलब कि वो लोन चुका ही नहीं रहा है, खत्म हो गया, मैं क्या कर सकता हूं? और सर बैड बैंक की फंडिंग कौन करेगा? वो अगेन सरकार, यही तो मैं बोल रहा हूं कि दिस इज नॉट अ स्कीम, जो कि अभी आएगी बात आ गई अभी कि भाई मतलब इसको खरीद लेगा सरकार करेगी, अल्टीमेटली कैसे करना है उसको, ये बातें चल रही है। क्या होता है कि बैड बैंक भी कैसे काम करेगा बताता हूं। ये जैसे मैंने लोन लिया आपका, मतलब सर बैड बैंक है, उसने मुझे बुलाया, मैं लोन नहीं पे कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहे, क्या हो गया, करो यार ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, चल तुम्हारे हम काम में थोड़ी हेल्प करते हैं तुम्हारी, ठीक है। तो ताकि वो मुझे एनकरेज करेंगे कि मैं अपना काम दोबारा से शुरू करूं और फिर मैं उनका उनका चुकाऊं पैसा, तो ऐसे करके दैट इज देयर वे ऑफ थॉट प्रोसेस एंड ऑल।
ठीक है, अभी क्या प्राइवेट मार्केट शेयर्स लोन कितने हैं, 36% से बढ़ के 59% हो गया है, इसका मतलब है प्राइवेट बैंक के पास ज्यादा लोन, लोन पहले 36% लेते थे, ठीक है, 36% से बढ़कर, सॉरी वो 21% से बढ़ के 36% हो गए प्राइवेट बैंक से जो लोन लेते हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर से लोन पहले 75% लोग लेते थे, वो घट के 50-60% हो गया है, क्यों, क्योंकि भैया वो नए नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बेटर सर्विसेज होती है प्राइवेट बैंक की, तो इसलिए वहां से लेना प्रेफर करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? अब प्रॉब्लम क्या है प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स के साथ में, ये भी पता होना चाहिए, प्राइवेटाइजिंग कर तो रहे हो लेकिन ये तो पता नहीं चाहिए क्यों कर, क्यों क्या होता है, तो इसमें कई बार ना परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट बैंक्स के ऊपर क्वेश्चन उठाए गए हैं उनकी गवर्नेंस इश्यूज को लेकर। जैसे अगर आपको याद हो MD CEO चंदा कोचर और वीडियोकॉन, जिन जो उनके हस्बैंड के हस्बैंड का जो कंपनी वीडियोकॉन, वीडियोकॉन के कुछ नेक्सस निकल के आया था कि इन्होंने इनको पैसा दिया, उन्होंने इनको पैसा नहीं दिया, ड्यूबियस लोन्स दिए गए थे, वो एक चला था, वो अलग ही चैप्टर है, वो किसी और क्लास में देखेंगे हम। राणा कपूर अभी येस बैंक वाले ने भी कोई मतलब गड़बड़ घोटाला किया, लक्ष्मी विलास बैंक वालों ने भी कुछ ऑपरेशनल इश्यूज थे, जो कि इसको DBS सिंगापुर के साथ में मर्ज कर दिया गया, ठीक है, मतलब ऐसे करके इनके साथ में भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट इश्यूज होते हैं इनके साथ में भी कुछ, फिर वो प्राइवेट नेक्सस बनने लग जाता है एंड ऑल दैट, सो दैट वाज दैट दैट इज दैट दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। डेंजर्स ऑफ प्राइवेट बैंक रिपीटिंग द मिस्टेक्स ऑफ 1960s, देखो वापस आ गई बात, क्या 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 डेंजर्स आ सकते हैं, द वाइड स्प्रेड परसेप्शन दैट द प्राइवेट सेक्टर दैट वाज नॉट सफिशिएंटली अवेयर ऑफ लार्जर सोशल रिस्पांसिबिलिटीज, वही कि गरीबों को भी पैसे देना है, उनको देना नहीं है, प्राइवेट सेक्टर कुछ है ही नहीं, एग्रीकल्चर में कोई लोन नहीं दे रहे, भी एग्रीकल्चर वालों को अगर लोन नहीं दोगे तो वो खाने के लिए नहीं उगाएंगे, वो इवेंचुअली तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, एग्रीकल्चर क्राइसिस आ जाएगी, तो लोग अभी भी वो पुरानी थॉट प्रोसेस में चल रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा सोच उचारने वाली बात है, बट अगेन एनीथिंग कैन हैपन इन दिस वर्ल्ड। दिस मेड प्राइवेट बैंक्स अनविलिंग टू डाइवर्सिफाई द लोन पोर्टफोलियोज, वुड रेस ट्रांजेक्शन, मतलब देखो प्राइवेट बैंक्स क्या करेंगे, अपने वही चीजें चलाएंगे जो उनकी सबसे ज्यादा बिक रही है, बाकी चीजों में जाएंगे ही नहीं, वो उनको एग्रीकल्चर में लोन देना परवड़ता ही नहीं है, एग्री लोन देना, एजुकेशन लोन देना, उनको तो ये सबसे महंगा सौदा लगता है, उनको लगता है कि ये तो हमें जबरदस्ती देना पड़ता है क्योंकि सरकार हमें बोलती है, अदरवाइज तो हमें देने का कोई पर्पज ही नहीं है इससे, एग्रीकल्चर लोन देने से तो। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एग्रीकल्चर लोन ही नहीं होगा, किसान के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो उगाएगा क्या और खिलाएगा क्या देश को, ये माइंडसेट है। ये क्या करेंगे बैंक वाले क्या करेंगे, अर्बन एरियाज में ही खोलेंगे, दिल्ली में ही खोलेंगे सारे ब्रांचेस, बॉम्बे में खोलेंगे सारे ब्रांचेस, बाकी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में तो जाएंगे ही नहीं, दैट इज देयर मतलब प्रॉब्लम्स हैं, ये दीज आर द प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये इतनों को करना चाहते थे ऑल दैट, ये सब देख लेना। ओके, वी हैव जस्ट कवर्ड टू टॉपिक्स, शिट, ओके, ये है, फटाफट से इसको पढ़ेंगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, ये पता होना चाहिए आपको, बड़ी मजेदार चीज है ये, फटाफट हो जाएगा ये। ये बनाया गया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, जिसको प्रेसिडेंट ने असेंट दिया 2016 में, क्यों, ह्यूज पाइल ऑफ लोन, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, ठीक है, इतने ज्यादा हो गए थे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो डेट रेजोल्यूशन करने के लिए। अब देखो व्हाट इज डेट रेजोल्यूशन, मैंने बैंक से लोन लिया, मैं चुका नहीं पा रहा, बैंक ने मुझे बुलाया, क्या हो गया भाई क्यों नहीं चुका पा रहे हो, तो बैंक क्या कर सकता है, दो चीज कर सकता है, ला भाई अपनी प्रॉपर्टी दे दे मेरे को, है ना, छोड़ तू सड़क पे हो जा, प्रॉपर्टी दे दे मेरे को अपनी, ये भी चीज कर सकता है बैंक। दूसरा ये भी कर सकता है कि बैंक जो बोले क्या प्रॉब्लम है, मैं कहूंगा कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, अरे चलो एक काम करो, आप ना लोन जो है मेरे को ऐसे करो, आपको जैसे 30,000 रुपए देना पड़ता है हर मंथ आपको EMI के, आप एक काम करो 25,000 रुपए आप 20 साल तक दे दो, पहले 15 साल तक आपको देने थे, 15 साल तक 30,000 रुपए देने थे आपको, अब आपको 25,000 रुपए 20 साल तक देना, ठीक है,
ओके मैं कहूंगा चल ठीक है ना यार 5,000 रुपए तो मैं मैनेज कर लूंगा, मैं पहले 30,000 रुपए थे तो मेरा मैनेज नहीं हो रहे थे एक्सपेंसेस, अब मैं कर लूंगा डेट रेजोल्यूशन। समझ में आ गई बात? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इन इंडिया टुक 4.3 years। अब इंसॉल्वेंसी भी नाम चीज ले लो, ये तो हो गया रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन, ये जो मैंने अभी आपको बताया दैट वाज कॉल्ड डेट रेजोल्यूशन या रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। अब दूसरा गया, उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा कि भाई कुछ है ही नहीं मेरे पास में, तुम मुझे समझा रहे हैं ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो, मैंने कहा है ही नहीं मेरे पास में, तो एक काम करो भैया तुम दिवालिया घोषित हो जाओ, तुम्हारे सारे एसेट्स को हम ले लेते हैं, तुम्हारे जितने भी लोन्स हैं उनको रिकवर करने के लिए, अगर घर है तो घर को बेचना, ठीक है घड़ी है कार है उन सबको बेचना, तो ये सब काम क्या करेंगे इंसान, मैंने जिससे उधार लिया हुआ है उसको उधार चुकाना, तो ये सारा काम जो है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन में होता है, ठीक है। पर इंडिया में इस काम को करने के लिए 4.5 साल चाहिए, 4.5 साल, तो इतने टाइम तक बैंक का इतना लोन जो है पड़ा ही रहेगा, एनपीए ही रहेगा, और उसके बाद भी एनपीए पैसे रिकवर होने के बाद पूरे पैसे रिकवर नहीं होंगे, ठीक है, जबकि यूनाइटेड किंगडम में 1 साल में हो जाता है और अमेरिका में 1.5 साल के अंदर हो जाता है। बेसिकली हमें इसे 4.5 साल से घटा के हमें 1-2 साल, वैसे तो 180 डेज बोला हुआ है उन्होंने, ठीक है, पर मुझे पता है कि वो प्रॉब्लम आएगी। किस पे अप्लाई हुआ? कंपनीज पे, पार्टनरशिप्स पे, इंडिविजुअल्स पे। टाइम बाउंड प्रोसेस है 180 डेज का, कि भैया इतने टाइम में इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करना है। व्हेन अ डिफॉल्ट रीपेमेंट अकर, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट अकर्स, डिफॉल्ट मतलब ईएमआई नहीं दे रहा वो, क्रेडिटर्स जिसने मुझे पैसे दिए हैं गेन कंट्रोल ओवर डेटर्स एसेट, मैं डेटर हूं जिसको मैंने पैसे दिए हैं, क्रेडिटर जिसने मुझे पैसे दिए हैं वो मेरे सारे एसेट्स को कंट्रोल ले लेंगे एंड मस्ट मेक डिसीजंस टू रिजॉल्व इंसॉल्वेंसी। फिर ये बैठ के सोचेंगे कि कैसे हमें इनका मतलब इंसॉल्वेंसी करनी है। अंडर द आईबीसी डेटर एंड क्रेडिटर बोथ स्टार्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स। अब बोला गया क्या 180 दिन के अंदर करो, ठीक है, बढ़ाया भी जा सकता है अगर क्रेडिटर्स इस बात से ऑब्जेक्शन ना उठाए तो बढ़ाया भी जा सकता है। छोटी कंपनी है तो 90 दिन के अंदर करो, बढ़ाया भी जा सकता है 45 डेज तक अगर मान जाए वो, तो अगर 1 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो, ठीक है। अगर डेट का कोई रेजोल्यूशन नहीं निकलता है तो लिक्विडेशन, बेच दो। कौन करता है? आईबीसी एक्ट है, मतलब आईबीसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास किया गया है कोड को, इसके लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, वो इस काम को करेगा। बेसिकली इसमें 10 मेंबर्स होंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। कैसे होगा ये बोर्ड? हर जैसे मैं बताऊं आपको, आई स्टे इन जेपी विस्टाउन में रहता हूं मैं, जेपी विस्टाउन भी जो है ये जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड, इस कंपनी का पार्ट है ये, इस कंपनी ने भी अपना पैसा नहीं चुकाया, तो इस कंपनी के लिए सरकार ने एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, लाइसेंस्ड प्रोफेशनल को काम दिया हुआ है जो कि रेजोल्यूशन प्रोसेस कुछ करेगा, एसेट्स ऑफ डेटर जो कि मतलब कर्जे वाला आदमी है उसके सारे, और एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर क्रेडिटर्स टू असिस्ट देम इन डिसीजन मेकिंग। सर मैं आगे बात किए, एक प्रोफेशनल एक आदमी होगा जो इस काम को करेगा। तो क्या हो रहा है, प्रोसीडिंग्स ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोसेस कौन देखेगा? अगर कोई कंपनी है तो एनसीएलटी, नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल, याद करो ट्रिब्यूनल हमने एक और पढ़ा था, एफसीएटी, व्हाट वाज एफसीएटी, एक और ट्रिब्यूनल पढ़ा था हमने, मैंने बताया था ट्रिब्यूनल क्या चीज होती है, एपलेट ट्रिब्यूनल, ये वही ट्रिब्यूनल है, ठीक है। और अगर कोई इंडिविजुअल है तो डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। द कोर्ट्स अप्रूव इनिशिएटिंग द रेजोल्यूशन प्रोसेस, अपॉइंटिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड गिविंग नॉट टू द फाइनल डिसीजन टू द ऑफ क्रेडिटर्स। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड रेगुलेट्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, ठीक है। बेसिकली आप पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है।
प्रोसीजर क्या है, डिफॉल्ट जब होगा तो रेजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट किया जाएगा बाय द डेटर, या तो डेटर खुद कहेगा कि हाँ भैया मेरे को रेजोल्यूशन चाहिए, क्रेडिटर बोलेगा, द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इस काम अंजाम देगा, द प्रोफेशनल प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द डेटर, उसके बारे में सारा देगा, एंड इन द इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज टू द क्रेडिटर, उनको सारी इन्फॉर्मेशन देगा, और फिर डेटर के सारे एसेट्स को मैनेज भी करेगा, ये आप समझो ये मैनेज भी करेगा फॉर द टाइम बीइंग, और ये 180 दिन तक चलेगा, एंड एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट डेटर इज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड. एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाई जाएगी, जिसने उसे पैसा दिया उसकी कमिटी बनाई जाएगी, ठीक है, ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हु लेंट मनी टू द डेटर, इट इज फॉर्म्ड बाय द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, उस वो जो IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बोर्ड, क्या नाम था पूरा उसका, IBBI था ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, वो बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI, IBBI क्यों बना, IBC में लिखा हुआ था, IBC ने इस बोर्ड को बनाया, इस बोर्ड वो एक अपॉइंट करता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल एक फाइनेंशियल एक कमिटी बनाता है, एक कमिटी बनाता है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इसको बनाता है, द क्रेडिटर्स कमिटी डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट, की क्या करना है, कि हमें इसको बेच बाच के अपना पैसा रिकवर करना है या इसी को हमें चलाना है आगे, वो सोचते हैं इस बारे में, दे मे चूज टू रिवाइव द डेट, देखो रिवाइव द डेट, या तो मतलब चलो भाई और किसे पैसा लाके ये काम तो अच्छा चलेगा, तो हम इसको क्या करते हैं, काम को ही करते हैं, क्यों मतलब अपना पैसा नुकसान करते हैं, क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि नहीं हमें बेच के अपना पैसा रिकवर करना है, तो उन्हें उसमें भी नुकसान होता है, क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा दिया होता है कि अगर वो रिकवरी करेंगे तो दैट वुड बी अराउंड 20-30% पैसा मिलेगा उनको, बहुत ज्यादा मिलेगा, तो वो क्या कि भाई रिवाइव द डेट करना है, या फिर रीपेमेंट शेड्यूल को चेंज करना है, या सेल करना है एसेट्स को, बेसिकली वही इंसॉल्वेंसी, ये सब 100 दिन में हो जाना चाहिए, ठीक है. अभी लिक्विडेशन होती कैसे है, बेसिकली सबसे पहले अगर डिसाइड होगा कि लिक्विडेशन करनी है, तो सबसे उस इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कॉस्ट जितनी भी आई है, जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जिसने ये काम कराया है, सबसे पहले तो उसको पैसे दिए जाएंगे, ये लिख दिया उसके अंदर, सबसे पहले उसी को पैसे मिलेंगे, उसके बाद जितने पैसे बचे उसमें से फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिए जाएंगे. व्हाट डू वी मीन बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एनीवन, लिखा भी हुआ है आगे, कोई है या सब चले गए, अच्छा है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब जिनका की लोन्स वर बैक्ड बाय कोलैटरल, कोलैटरल मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने कोलैटरल के तौर पे रखा हुआ था, सिक्योर्ड डेटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब मेरे पास तू पैसे मांगने आया, मैंने कहा कि मैं तुझे पैसे जब ही दूंगा जब तू अपना घड़ी मेरे पास गिरवी रखेगा, मैं मेरे से मांगने आया 10,000 रुपए, वो मैंने कहा जब ही दूंगा पहले तू मेरे को अपनी घड़ी गिरवी रख या अपना मोबाइल फोन मेरे पास में गिरवी रख दे, तो पहले उनको मिलेगा, ठीक है, उसके बाद लास्ट में वर्कर्स, अदर एम्प्लॉयज और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं रखा हुआ था उनको मिलेगा. समझ में आ गई बात की नहीं आई, इज इट वेरी क्लियर विद एवरीवन, एनी डाउट्स इन दिस, नो सर. ओके अब इसके बाद में दो और है, ये मैं अभी पढ़ा नहीं पाऊंगा मुझे लग नहीं रहा, ठीक है, अगेन वी आर ऑलरेडी लेट, नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक अप दीज टॉपिक्स, दीज टू टॉपिक्स फर्स्ट, देन वी विल मूव इनटू द नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग. ये इम्पोर्टेंट है कि भाई ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसको क्यों चेंजेस किए गए अभी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, और नेक्स्ट चाइल्ड सेक्स अब्यूज एंड सेफगार्डिंग अवर चिल्ड्रन साइड, तो सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. इज दैट ओके? ऑफ कोर्स सर. यस सर. एनी डाउट इन दिस प्लीज टेल मी. नो सर. हैं?